यस सरकार। सो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 मेगा एग्जिमिशलिस्ट दिल थाम के बेटे का बड़ा शानदार पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बी फोकस्ड हियर ओनली, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रहेगा तो ये चैप्टर के पॉइंट्स उतर जाएंगे, नहीं तो चैप्टर के पॉइंट्स गायब गायब और गायब। दिल थाम के बेटे का सेक्शन नंबर 11 ऑफ द CGST एक्ट कहता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल दे में नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ जिनको GST से वो एग्जिम कर सकता है, और हाँ दिस एग्जिमिशन मे बी पार्शियल और फुल, इट मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। एंड सर एग्जिमिशन जब भी देंगे वो लोग बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन देंगे या स्पेशल केसेस में ऑर्डर इशू करेंगे, नोटिफिकेशन हो या ऑर्डर हो बोथ आर एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। और हाँ अगर ये नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो इन्होंने दिया है उसमें कोई कन्फ्यूजन था, कोई क्लैरिटी चाहिए तो विद इन वन ईयर दे कैन एड एन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन अगर एड किया तो इट विल हैव एन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसको मानेंगे एज इट इज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर। और हाँ एक और बात कही कि अगर इफ एनी ऑफ द गुड्स और सर्विस आर फुल्ली एग्जम्प्टेड अनकंडीशनली देन ऐसे केस में एसएससी शैल नॉट पे एनी टैक्स, और अगर वो चाहता है टैक्स पे करना तो भी टैक्स पे नहीं कर पाएगा, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन टूटेगी। ओके सरकार सेम सेक्शन है सेक्शन नंबर 6 ऑफ द IGST एक्ट, क्लियर सर। सेक्शन नंबर 11 ऑफ द CGST एक्ट में इंटर स्टेट सप्लाई का है और सेक्शन नंबर 6 ऑफ द IGST एक्ट ने इंटर स्टेट सप्लाई का है। ओके अब ये पावर यूज करके इन्होंने सर एग्जम्पशंस दिए और उसका सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 इन CGST एंड नोटिफिकेशन 9 ऑफ 2017 ऑफ द IGST, क्लियर। तो शुरू कर रहे हैं हम बात मेगा एग्जिम्पशन लिस्ट, और हाँ आपसे एक बात शेयर कर लेता हूँ कि गुड्स भी कई सारे एग्जिम्प्टेड फ्रॉम GST, पर गुड्स का टैरिफ हमारे कोर्ट्स में नहीं आता है, सर्विसेज का टैरिफ हमारे कोर्ट्स में आता है। लेट्स बिगिन विद द सर्विसेज सरकार, पॉइंट ये है सबसे पहली बात, मैंने इस पूरे चैप्टर को, मैंने इन सारे एग्जिम्पशन की लिस्ट को इंडस्ट्री वाइज क्लब कर दिया है, तो हम जिस तरह से अपने बुक में दिया है इंडस्ट्री वाइज वैसे ही क्लब करके रिवीजन करता हूं आपका माहौल बुक की सीक्वेंस में बात चलेगी। सर हेल्थ केयर सर्विसेज सबसे पहला क्या है, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज। ओके फर्स्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और पैरामेडिक्स आर एग्जिम फ्रॉम GST, और इनके अलावा किसी और ने सर्विस दी तो टैक्स लग जाएगा। और हाँ एम्बुलेंस सर्विस किसने भी दी हो, एम्बुलेंस सर्विस किसने भी दी हो टैक्स एग्जम्प्ट है। अच्छा हेल्थ केयर सर्विस में ध्यान रखिएगा सर, हेल्थ केयर सर्विसेज में हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी जो आप ब्यूटिफिकेशन के लिए कराते हैं वो एक कवर नहीं होता है, पर अगर यही किसी एक्सीडेंट की वजह से कराया है किसी ने या ट्रॉमा की वजह से कराया है तो ऐसे केस में वो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आ जाएगा और एग्जिमिशन मिल जाएगा। और हाँ पैथोलॉजी लैब्स, इंडिपेंडेंट पैथोलॉजी लैब्स भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आता है बच्चों। अच्छा मान लो किसी हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए रूम रेंट अलग से चार्ज किया, अगर वो एडमिट हुआ है पेशेंट तो ऐसे केस में रूम रेंट भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट बनेगा, कंपोजिट सप्लाई और टैक्स नहीं लगेगा उस पर भी। ओके सर जो पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में उसके लिए कैंटीन से खाना आ रहा है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स, तो ऐसे केस में वो भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, हेल्थ केयर सर्विस में इसको केस को में आएगा, उस पर भी GST नहीं लगेगा। अच्छा बच्चों ध्यान रखना सर, अगर कैंटीन है हॉस्पिटल के अंदर, नॉर्मल कैंटीन है और उस नॉर्मल कैंटीन में इन पेशेंट के लिए जो पेशेंट एडमिटेड है उसके लिए खाना जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, पर कोई दूसरे पर्सन ने वहां कैंटीन में खाना खाया तो GST लग जाएगा। और हाँ उस हॉस्पिटल वालों ने ये कैंटीन का काम किसी को आउटसोर्स किया है तो कैटरर ने जो सर्विसेज दी हॉस्पिटल को उस पर टैक्स लगेगा, हॉस्पिटल ने सर्विसेज दी है आम जनता को टैक्स लग जाएगा, पर हॉस्पिटल ने सर्विस दी किसको, इन पेशेंट को जो पेशेंट एडमिटेड है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके सरकार हॉस्पिटल ने पैसा चार्ज किया पेशेंट से टैक्स नहीं है, और डॉक्टर अगर मान लो एम्प्लॉय नहीं है डॉक्टर ने चार्ज किया किससे, हॉस्पिटल से, उस पर भी टैक्स नहीं है माहौल। और हाँ जो रिटेंशन अमाउंट होता है, जो मार्जिन होता है हॉस्पिटल का जो पेशेंट से चार्ज किया है किसने, हॉस्पिटल ने, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। ओके सरकार सर अगला पॉइंट आता है क्या, वेटरनरी क्लिनिक, क्या था सर वेटरनरी क्लिनिक, अरे जानवरों में भी जान होती साहब, तो वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, उस पर भी GST नहीं लगेगा। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेज टैक्स नहीं है। देन मेगा एग्जाम्स लिस्ट अगला पॉइंट आ रहा है क्या, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और फैसिलिटी, जिसने बायोमेडिकल वेस्ट को क्या किया, प्रोसेस किया, डिस्पोज ऑफ किया है, कोई GST नहीं है। देन कॉर्ड ब्लड बैंक, सर कॉर्ड ब्लड बैंक ने स्टेम सेल को रिजर्व किया है, प्रिजर्व किया है, तो सर उसके लिए जो चार्ज लिया उस पर GST नहीं लगेगा। देन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करिए, अच्छा मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा टैक्स नहीं लगेगा, ऑब्वियस बात है टैक्स नहीं लगेगा, उसकी बात कर रहा हूँ आपसे, जहाँ टैक्स लगता होगा वो बोल दूंगा अगर कोई एक्सेप्शन हुआ तो। ओके सर सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो टैक्स नहीं लगता है। अच्छा चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन किया है, और चैरिटेबल एक्टिविटी में चार तरह की सर्विसेज आती है, वो चार के अलावा कोई और सर्विस दी तो टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। ये चार ही सर्विसेज कवर है, कौन कौन से बेटा, चैरिटेबल एक्टिविटी के इसको मैं था चार सर्विस, फर्स्ट क्या पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉलोइंग
सब्सटेंसेस नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, देन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। ध्यान रखना बेटा, सर बाबा रामदेव जी का भी कैंप भी कवर है इसके अंदर, और अगर मेडिटेशन के लिए श्री 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 रविशंकर जी का कोई कैंप होता है वो भी एग्जम्प्ट है। और हाँ, अगर मान लो मेडिटेशन या योगा वगैरह के लिए कोई कैंप हुआ है जो रेजिडेंशियल कैंप है, क्लियर, और उसे मान लो 5000 भी पर मंथ, 5000 भी पर पर्सन चार्ज किया, मान लो 3 दिन का कैंप है साहब, इसमें रहना खाना पीना सब कुछ है, तो सर ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई है। और इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सर योगा है, मेडिटेशन है। तो सर ऐसे केस में वो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा में कवर हो जाएगा और पूरे बंडल पर टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, क्लियर। पर अगर यहाँ पे मान लो सर कंपोजिट सप्लाई है और प्रिंसिपल एलिमेंट कुछ और होता है, जैसे होटल अकोमोडेशन और साथ में वहाँ पे योगा भी कराते हैं, तो बात अलग होती सर, क्लियर। ओके, माहौल प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा होता है कंपोजिट सप्लाई के केस में? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। पर हाँ, अगर मेडिटेशन का कैंप चल रहा है, योगा का कैंप है, तो ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल एलिमेंट वही है और उस पर टैक्स नहीं लगता है। ओके सर, देन आता है क्या? एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडेंट ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रामेटाइज पर्सन्स, प्रिजनर्स और पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स वो भी रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। सर रूरल एरिया के सर बुड्ढों का अगर आपने स्किल डेवलपमेंट किया तो टैक्स नहीं है, अर्बन एरिया के बुड्ढों का स्किल वैसे भी डेवलप्ड है साहब। ओके सर, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो सर ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये काम करने के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर किसी से चार्ज लिया तो टैक्स नहीं लगता बच्चों। ओके बच्चों, ध्यान रखना एक और बात, नेक्स्ट आता है क्या? ओल्ड एज होम, जिंदगी में ध्यान रखना सर, ये अपने घर में, ये अपने घर वालों के लिए कभी भी सर्विस काम नहीं आनी चाहिए। ओल्ड एज होम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओल्ड एज होम शुड बी रन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसने रन किया है, जिसमें पर मंथ पर मेंबर जो चार्जेस है वो ₹25,000 तक का है। इस चार्जेस में सब कुछ आना चाहिए, खाना पीना रहना सब कुछ, तो उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, देन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने कोई भी सर्विस दी तो टैक्स नहीं लगेगा। अरे हाँ है ना, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स डिप्रेशन के मरीजों को सही करते हैं, इनके चार्जेस भी टैक्स नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, यूरिनल और टॉयलेट्स और लेबोरेटरीज, तो टैक्स नहीं लगता बच्चों। सर देन आता है नेक्स्ट हेडिंग कौन सा? सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, बच्चों ध्यान रखना सर, फार्मर। अब ध्यान रखना एग्रीकल्चर के स्कोप में वेज और नॉन वेज दोनों आते हैं। और हाँ, आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज दिए, और हाँ, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज, हॉर्सेज का रेयरिंग एग्रीकल्चर के स्कोप में नहीं आता है, अदरवाइज सर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट, या आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है वो सब स्कोप में आता है इसके एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर का काम जो कर रहा होता है फार्मर या इस तरह के नॉनवेज वाले लोग, उनको आपने सर्विसेज दी कौन सी? सर फर्स्ट एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, टैक्स नहीं लगेगा। देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, या आपने सर एग्रीकल्चर फार्म पर जाके ऐसा कोई काम किया, ऐसी कोई प्रोसेस करी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एसेंशियल करेक्टर चेंज नहीं होता है, बट मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। देन रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, सर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, वेयरहाउसिंग और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जम्प्ट रहेगा। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, आपने गांव में जाके किसानों को ट्रेनिंग दी, टैक्स नहीं लगेगा। देन आता है क्या सर एपीएमसी मार्केट, मंडी शुल्क जो होता है मंडी शुल्क, अनाज मंडी, एपीएमसी मार्केट ने चार्ज लिया है, मेंबरशिप फी ली, टैक्स नहीं लगेगा। देन अगर कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसने कमीशन चार्ज किया, टैक्स नहीं लगेगा। एंड सर फ्यूमिगेशन कराया आपने, क्या कराया बेटा? फ्यूमिगेशन इन द वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो टैक्स नहीं लगता है। ओके बच्चों ध्यान रखना, एज पर सर्कुलर गिवन बाय सीबीआईसी राइस चावल जो था वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पेडी जो था ना रो फॉर्म वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में आता है। और हाँ सर टेस्टिंग, टेस्टिंग भी इसके स्कोप में आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर ऑपरेशन के रिलेशन में। और अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग कराई है, भले वो सीड टेस्टिंग हो गया, सोइल टेस्टिंग हो गया, कोई इंस्पेक्शन हो गया, टेक्निकल या टेक्निकल टेस्टिंग हो गया, इन सब के चार्जेस पे लेबोरेटरी ने जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान रखना बेटा, स्टड फार्मिंग सिंस वहाँ पर हॉर्सेस का रेयरिंग होता है इसलिए टैक्स नहीं लगता, हॉर्सेस का रेयरिंग होता है इसलिए वो एग्रीकल्चर के स्कोप में नहीं आता है। और स्टड फार्मिंग के रेस्पेक्ट में अगर आपने कोई मान लो लैंड रेंट पे दी तो टैक्स लग जाएगा, अदर सर्विसेज पे टैक्स लग जाएगा बच्चों। ओके देन आता है सेकंड पॉइंट नंबर टू, सर क्या? फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्स नहीं लगेगा। देन सिंस राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में नहीं आ रहा इसलिए लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस को अलग से देखकर एग्जम किया है। अगला पॉइंट, अच्छा ध्यान रखना, कमीशन एजेंट ऑफ राइस एग्जम नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या? वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर अगेन एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके सर, लास्ट ईयर एक नया पॉइंट आया था, ध्यान रखना बेटा, गुड़ जगरी हो गया या प्रोसेस स्पाइसेस हो गए, चाय कॉफी वगैरह हो गई, इनका वेयरहाउसिंग किया है तो टैक्सेबल था क्योंकि वो
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में नहीं आता, पर सर अलग से पॉइंट देके बोल दिया क्या? इसलिए एक पहले सर्कुलर था जिसने बोला था कि इन पे टैक्स लगेगा, वो सर्कुलर विड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट आ गया था लास्ट ईयर ही, और बोल दिया कि सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेज, सर दाल दाल हो गया अपना, मसाले हो गए, फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल स्पाइसेस वेजिटेबल्स स्पाइसेस कोपरा शुगर केन जैगरी रॉ वेजिटेबल फाइबर्स सच एज कॉटन फ्लैक्स जूट एग्स एटसेट्रा इंडिगो मैन्युफैक्चर टोबैको टोबैको खाता ना मतलब सर बिटर लीव्स तेंदू लीव्स कॉफी और टी, इन सब के वेयर हाउसिंग और स्टोरेज चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, अगर आपने एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी जॉब वर्क किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके बच्चों ध्यान रखना, सर कन्वर्जन ऑफ पेडी इंटू राइस, सर डी हस्किंग ऑफ पेडी टू कन्वर्ट इट इंटू राइस, सर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आता क्योंकि ये प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है, और राइस मिलर जो होंगे उनके चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा। देन सर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्री कूलिंग राइपनिंग वैक्सिंग रिटेल पैकिंग और लेबरिंग जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होता टैक्स नहीं लगेगा। देन आता है क्या, सर्विसेज बाय जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज ऑफ व्हाट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, सर मिल्क सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग दाल चावल और आटा, सर फ्लोर पल्सेस और राइस। देन सेम पॉइंट किसके लिए, रेलवे और वेसल के लिए था, जीटीए के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए। नेक्स्ट है क्या, ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे और वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ऑफ व्हाट सेम गुड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल्क सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस एंड राइस। देन आता है क्या, सेम पॉइंट जो रिपीट किया मैंने, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेज, सर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, अरे स्लॉटर्स पे टैक्स, स्लॉटर हाउस पे टैक्स नहीं लगेगा, बकरे काटते हो आप तो काटो कोई दिक्कत नहीं है, काटने के चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने सर इंडिविजुअल फार्मर को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया है फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, तो जो उन्होंने रॉयल्टी फीस चार्ज किया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन सर किसान के फार्म तक आपने इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क पहुँचाया है तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है टू सर सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी टिल द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर, हाँ है ना बेटा, तो उसके लिए जो चार्ज लिया इन्होंने इंस्टॉलेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड देन लास्ट सर नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी चार्जेस लिए कोल्ड चेन नॉलेज डिसमिनेशन करने के लिए कोल्ड स्टोरेज वालों से उस पर जीएसटी नहीं है। सर अगला सेक्टर आ रहा है बच्चों, देखो ये सुपर फास्ट रिविजन लेक्चर है, ऑब्वियसली बात है ये कोई मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये रिविजन है, बहुत फास्ट रिविजन है, सो दैट आप एग्जाम डे ये इक्वल रिविजन लेक्चर सुने और आपका काम टाइमली हो जाए। ओके बच्चों इसलिए बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली, ये कोई कोचिंग नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ये रिविजन कर रहा हूँ, फास्ट रिविजन है बच्चों, ध्यान इधर पूरा आपका। ओके सर इसलिए आप लोग क्या करिएगा, ये रिविजन लेक्चर अगर पहली बार सुन रहे हो आप तो पहले बुक अपने हाथ में रखिएगा, आराम से पॉज कर करके सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे आप पॉज कभी भी कर सकते हो बच्चों, क्लियर समझा मेरी बात? तो सर ध्यान देना, जब तक आप इनको एक दो बार नहीं सुनोगे तब तक आप इसके रिदम में नहीं आओगे, आप दो बार सुन लोगे फिर देखो आपकी रिदम बनती है इसके साथ में। ओके सो एग्जाम से पहले मिनिमम आपको दो तीन बार इनको सुनना है, माहौल हो जाएगा। सरकार नेक्स्ट आ रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट पॉइंट ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ध्यान रखना कोई भी सर्विस, भले वो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ की हो, भले ही वो कोई भी सर्विस हो, खाना खिला रहे पार्टी करा रहे चलेगा साहब, ऑल दी सर्विसेज केवल एजुकेशन वाली नहीं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सेकंड, अगर आपके हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है और इसके लिए एंट्रेंस फी चार्ज करा तो जीएसटी एंट्रेंस फी के अमाउंट में नहीं लगेगा। थर्ड बोलता है क्या, अब आ रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन केवल 5 पॉइंट कवर है, उसमें भी फर्स्ट 3 केवल स्कूल के लिए बेटा, सर ध्यान देना बेटा, सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 5 पॉइंट है, उसमें फर्स्ट 3 केवल स्कूल के लिए है। सर ध्यान देना पहले, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में क्या कहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ सर प्री स्कूल एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट है प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, देन कॉलेजेस आईसीआई वगैरह आ जाते हैं जो ऐसा कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड थर्ड एनी अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो प्रोवाइड करता है वो कहता है क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इन तीनों में जो फर्स्ट पॉइंट है ना बड़ा, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, उसी के लिए 3 पॉइंट आएंगे फर्स्ट, सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा, सर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट, देन सर कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, एंड थर्ड सर क्लीनिंग
हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज पर ध्यान रखना, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेस के वहाँ परफॉर्म किया तो टैक्स एग्जम्प्ट है, उससे बाहर परफॉर्म किया तो टैक्स लग जाएगा। सिक्योरिटी हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विसेज के केस में, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल या प्री स्कूल एजुकेशन के केस में, यह था 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल कवर होता है बेटा। ओके सर, देन आता है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन सी सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। अच्छा ध्यान रखना, एडमिशन कराने वाली सर्विस या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो गई, जैसे पेपर सेटर हो गए बेटा, पेपर बना रहे एग्जाम्स के, या एग्जाम हॉल रेंट पे लिया है तो सर, या एग्जाम कंडक्ट कराने वाली सर्विस हो गई बच्चों, तो ऐसे, या पेपर प्रिंटिंग की सर्विस हो गई एग्जाम पेपर, तो ये सब सर्विस आती है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के रिलेशन में। और ऐसे केस में जो भी चार्जेस लिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता चलेगा बेटा। और लास्ट आता है क्या सर, आपने कॉलेजेस ICI वगैरह को सर्विस दी, कौन सी सर, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियडिकल, तो टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। ओके, पर ये वाला पॉइंट वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने वालों के लिए नहीं है और स्कूल वगैरह के लिए नहीं बेटा, कॉलेजेस ICI वगैरह के लिए कवर है बच्चों, ये जो रिकॉग्नाइज डिग्री प्रोवाइड करते हैं बच्चों आपको। ओके माहौल, फिर आता है सर्कुलर क्या सर, कॉलेज के अंदर हॉस्टल है, कॉलेज का एक हॉस्टल है और हॉस्टल में मैं से बेटा खाना खा रहे बच्चे, तो अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ खाना खाए या कुछ, मतलब खाना ही खाएंगे खैर सर। अब ऐसे केस में मेस ने जो खाना प्रोवाइड किया है वो मेस किसकी बेटा, अगर कॉलेज की है, कॉलेज क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में कॉलेज आता है तो उसने कोई भी सर्विस दी है अपने अपने स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को, टैक्स एग्जम्प्ट बेटा, हाँ है ना। सेकंड आता है क्या, अब उस हॉस्टल के अंदर जो मेस में खाना बनाता है वो कोई टीचर तो बनाएगा नहीं बेटा, टीचर खाना बनाएगा खाएगा कौन, तो ऐसे केस में सर मान लो कैटरिंग वालों को अपॉइंट कर दिया सर, जैसे RBG हॉस्टल मुंबई के अंदर भगवती महाराज को अपॉइंट कर दिया कि साहब खाना बनाइए आप, तो कैटरिंग वालों ने जो चार्ज किया होगा किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या किसी ट्रस्ट को, तो ऐसे केस में उस पर टैक्स लगेगा साहब, वो एग्जम नहीं है। पर हाँ ध्यान रखना बच्चों सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर बच्चों से चार्ज लिया तो टैक्स नहीं लगेगा, पर कोई प्राइवेट ट्रस्ट है बेटा, जैसे RBG हॉस्टल इज अ प्राइवेट ट्रस्ट, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसने बच्चों से चार्ज किया तो वो तो वैसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होता बेटा, तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। क्लियर माहौल सरकार, आइए अगला पॉइंट है क्या सर, सिंस अगर मान लो आप स्कूल को सर्विस दे रहे हो, स्कूल को कौन सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की, तो ऐसे केस में टैक्स नहीं है। तो अगर आपने वो स्कूल बसेस किसी और से हायर पे लिया है तो जिसने आपको हायरिंग पे बस दी है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, देन आता है नेक्स्ट पॉइंट किसके रिगार्डिंग, IIM, आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सर, ये 31 जनवरी 2018 से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आ गया है, इसलिए IIM ने जो पढ़ाया है उसने बच्चों से जो फीस लिया उस पर भी GST नहीं लगेगी। पर ध्यान रखना IIM क्या करता है, दो तरह के कोर्स होता है, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स और एक और लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स, तो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स जो करते हैं वो स्टूडेंट करते हैं और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं और ऐसे केस में वो प्रोफेशनल के स्टूडेंट नहीं होते, वो होते पार्टिसिपेंट्स, उनसे जो फीस लिया उस पर GST लग जाएगा। अच्छा एक और सर्कुलर आया रिगार्डिंग सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो सर्विसेज देता है सर, मैरीटाइम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं लोग, क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, मैरीटाइम कोर्सेज कंडक्टेड बाय मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सर सर्कुलर ने डिफाइन करके बोल दिया क्या, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं बेटा, और ऐसे केस में उन अप्रूव्ड कोर्स के लिए अगर आपने बच्चों से पैसा लिया तो टैक्स नहीं लगेगा। ओके नेक्स्ट आ रहा है सर, वो वोकेशनल ट्रेनिंग की कोर्स वगैरह सर, सुनना बच्चों ध्यान से, पॉइंट नंबर 4, एनी सर्विस प्रोवाइड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन अ सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल और द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेक्टर काउंसिल इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन्होंने सर्विसेज दी है इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स और एनी अदर स्कीम विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सर ये जो अप्रूव्ड कोर्सेज वगैरह होते हैं इन पर GST नहीं लगता है, जैसे सिलाई करना सिखाया बेटा या कंप्यूटर कोर्स सिखाया इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत, तो सर इन्होंने जो चार्ज लिया उस पर GST नहीं लगेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के थ्रू अगर किसी ट्रेनिंग पार्टनर ने स्टूडेंट्स को सर्विसेज दिए तो ट्रेनिंग दी है तो उसके लिए जो फीस लिया उस पर GST नहीं लगेगा। देन असेसमेंट बॉडी अपॉइंट करी गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रली एम्पैनलमेंट होता है जिनका, और उन्होंने असेसमेंट किया है किस अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, तो असेसिंग बॉडी ने जो चार्ज किया उस पर भी GST नहीं लगेगा। देन कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका सारा खर्चा बोन किया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो भी चार्जेस बच्चों से लिया उस पर टैक्स, जो ट्रेनिंग ले रहे उनसे लिया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इफ दैट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम आर बोन बाय गवर्नमेंट। क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। ओके सर कभी डांस सीखने गए क्या, तो सर डांस सीखने जाओगे तो टैक्स नहीं लगेगा। सर रिक्रिएशनल एक्टिविटी अगर आपने सिखाई है
रिक्रिएशन एक्टिविटी इन रिलेशन टू आर्ट्स और कल्चर, इन रिलेशन टू आर्ट्स और कल्चर, और एक और पॉइंट क्या है स्पोर्ट्स पर, स्पोर्ट्स एक्सम बोला क्या, स्पोर्ट्स अगर सिखाया किसने, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने जो सेक्शन 12 डबल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कवर है, तो ही एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। बाकी डांस और आर्ट्स की क्लासेस रिक्रिएशन वाली कोई भी प्रोडक्ट टैक्स नहीं लगता बच्चों, क्लियर माहौल। ये एजुकेशन वाली सारी सर्विसेज कवर होती है। अब सर आइए ध्यान से, नेक्स्ट आता है क्या, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज। मजा आएगा, अरे साहब कभी चिड़ियाघर गए क्या, अरे म्यूजियम गए कभी आप, सर जाइए अपने बच्चों को लेके जाइए जरूर, सर उसके एंट्री फी पे टैक्स नहीं लगता। फर्स्ट पॉइंट यही है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व्स और जू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अच्छा सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम वगैरह, बेटा आप एडमिट नहीं हो गए, ओए सर एंट्री टिकट के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, सर ध्यान रखना अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जैसा आगरा ताजमहल, हाँ है ना बेटा, दिल्ली जंतर मंतर अगर वहाँ देखने गए तो उसके टिकट पे एंट्री टिकट पे टैक्स नहीं लगेगा। देन सरकार सर्कस देखने गए, डांस देखने गए, ध्यान रखना वहाँ पे 500 रुपये पर पर्सन तक की लिमिट है बेटा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस डांस और अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, क्लियर। देन अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, और नेक्स्ट क्या लिख दिया, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, मतलब रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, सबके केस में सेम पॉइंट है। और प्लेनेटोरियम, अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री टिकट ले रहे हो और एंट्री टिकट पर पर्सन 500 रुपये तक का है तो टैक्स नहीं लगेगा, 501 तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा बच्चों। माहौल सरकार, अब नेक्स्ट आ रहा है क्या, देखो आप डांस देखने गए, टिकट 500 रुपये तक का तो टैक्स नहीं है, अब आप डांस कर रहे हो तो डांस करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, सर वो वाले पैसे नहीं बच्चों, सर वो तो क्या है गिफ्ट केवल, सर जो फीस आप चार्ज कर रहे हो उस फीस पे टैक्स नहीं लगेगा अगर नेक्स्ट पॉइंट में कवर होता है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ फोक बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ, देखना बेटा फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस म्यूजिक और थिएटर, इफ द कंसिडरेशन चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन ₹1.5 लाख, क्लियर, 1,50,000 तक का पर परफॉर्मेंस अगर चार्ज है तो टैक्स नहीं लगेगा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के केस में बच्चों। अच्छा उसने डांस सिखाया है, देखो डांस सिखाना तो आगे कवर था, उसमें टैक्स नहीं है, ये क्या है डांस करने के पैसे मिल रहे बच्चों, तो क्लासिकल और फोक आर्ट फॉर्म ऑफ डांस म्यूजिक और थिएटर तो पर परफॉर्मेंस अगर 1,50,000 तक का चार्ज है तो टैक्स नहीं लगेगा। एंड ध्यान रखना यहाँ पे अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने कोई भी चार्ज ले लिया तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ने डांस म्यूजिक या थिएटर आर्ट या सॉरी फोक और क्लासिकल फॉर्म वाला किया तो टैक्स नहीं है, पर अगर इन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर कोई भी पैसा ले लिया तो टैक्स लग जाएगा। अगला पॉइंट आता है क्या, टूर ऑपरेटर, अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी टूर ऑपरेटर ने टू अ फॉरेन टूरिस्ट फॉर अ टूर विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, दुबई के टूरिस्ट ने makemytrip.com से सर सिंगापुर का टूर बुक कराया है तो टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। देन आता है बात क्या, सर विराट कोहली आ रहा है बच्चों आगे अपने सामने, सरकार सर्विसेज प्रोवाइड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, और एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने सर्विसेज दी तो टैक्स नहीं लगेगा। देन आ रहा है क्या, अच्छा ध्यान रखना बेटा यहाँ पे केवल इंडिविजुअल इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, मैनेजर और टीम मैनेजर ही कवर है बेटा, कोच और टीम मैनेजर ही कवर है बच्चों, क्लियर। अगर मानो एज अ कमेंटेटर अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो टैक्स लग जाएगा, चीयर लीडर्स सर उन्होंने फीस चार्ज करी टैक्स लग जाएगा। माहौल सरकार देना ये क्या, स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट, सर अब ध्यान रखना फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज बाय, सुनो बच्चों ध्यान से, सर्विसेज बाय वे ऑफ सर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय नेशनल स्पोर्ट्स, ध्यान सुनो बच्चों नाम याद नहीं होते इतने जल्दी पर आप सुनोगे ध्यान से तो क्लिक कर जाएगा एग्जाम में, याद करने की जरूरत नहीं, आप क्लिक करिए, क्लिक हो जाना चाहिए एग्जाम में। ओके सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलेटेड फेडरेशंस वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री, या फिर ऑर्गेनाइज किया है बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत, और ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल और स्पोर्ट्स बोर्ड, और एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, क्रीड़ा क्रीड़ा कीड़ा नहीं सर, क्रीड़ा मतलब खेलना। ओके सरकार इन्होंने अगर ऑर्गेनाइज किया और आपने स्पॉन्सर किया तो स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो हिंदुस्तान में होने वाला है सर, जैसे आपने सुना फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020
तो आप बोलोगे सर 2020 तो कोरोना ही खा गया, तो चिंता ना करें, ये इवेंट होने वाला है 17 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के बीच। तो इनके स्पोर्टिंग इवेंट को अगर आप देखने गए, एंट्री टिकट लिया तो टिकट के अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, ध्यान रखना। नॉर्मली जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके 500 रुपये पर पर्सन तक का टिकट होता है, या फिर तो 1 लाख रुपये तक का टिकट हो तो भी टैक्स, मतलब कितना भी अमाउंट का टिकट हो टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड सर, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 वुमेन्स का जो हो रहा है, उस इवेंट से रिलेटेड आपने कोई सर्विस दी है या फीफा ने आपको कोई सर्विस दी तो भी टैक्स नहीं लगेगा। पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स ये सर्टिफाई करना चाहिए कि दिस सर्विसेज आर इन रिलेशन टू इवेंट्स ऑफ द फीफा, बेटा क्लियर। और सेम एग्जिबिशन था 2017 में जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 17 वर्ल्ड कप फीफा, उसके लिए भी सेम पॉइंट था, पर वो 2017 तो अब गया बच्चों। आइए सरकार अगले इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, हम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। बच्चों ध्यान देना, मेगा एग्जिबिशन लिस्ट को मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप टिप्स से याद कर ले, टिप्स पे याद नहीं करना। जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया है, आपको सारे एग्जिबिशन टिप पे याद नहीं चल जाएगा, बस ध्यान देना जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक करना चाहिए, हाँ ये एग्जिबिटोर टैक्सेबल है। आपका कॉन्सेप्ट और आपका पॉइंट इतना क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या एग्जिबिटोर क्या टैक्सेबल है बच्चों। तो ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पे वो पॉइंट क्लिक कर जाएगी, हाँ ये एग्जाम है उसके लिए। ओके माहौल सर, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनी बिलोंगिंग, विद और विदाउट अकम्पनी बिलोंगिंग, याद है बेटा इसका मीनिंग क्या था? अगर अकम्पनी बिलोंगिंग के लिए अलग से चार्ज लिया तो उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा जो पैसेंजर टिकट के लिए होता है बेटा। ओके सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनी बिलोंगिंग बाय रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, देन सर मेट्रो मोनरेल और ट्रेनवे, अच्छा रेलवे केस में टैक्स एग्जम कर दिया, पर एसी कोच अगर है या फर्स्ट क्लास टैक्स लग जाएगा, मेट्रो मोनरेल और ट्रेनवे टैक्स एग्जम है, इनलैंड वाटरवे में ट्रांसफर किया टैक्स नहीं लगेगा, देन वेसल से ट्रांसपोर्ट किया बिटवीन वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया टैक्स नहीं लगेगा, एंड मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, सर ध्यान रखना मीटर्ड कैब, कैब शुड बी मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा भली मीटर्ड हो या नहीं हो टैक्स एग्जम्प्ट है बेटा, सर इंक्लूडिंग ई रिक्शा, अच्छा ई रिक्शा का मतलब ओला ऑटो नहीं है बेटा, ई रिक्शा का मतलब क्या बच्चों? सर जो बैटरी से ऑपरेट होता है दिल्ली वगैरह में जो चलते बेटा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जयपुर में चलते हैं। ओके सर ओला कैब यहाँ पे कवर नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। सर जितनी भी रेडियो टैक्सी होती है, रेडियो टैक्सी मीटर कैब के स्कोप से बाहर निकाली हुई है। ओके बच्चों, देन पॉइंट नंबर टू आता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनी बिलोंगिंग बाय एयर, सर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट, सर कहाँ लोकेटेड एयरपोर्ट? वो सेवन सिस्टर्स, अरे नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला सेवन सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बाग डोकरा, अगर वहाँ फ्लाइट से गए या फ्लाइट से आए तो फ्लाइट की टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स अदर देन टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, क्लियर, तो टैक्स एग्जेम्प्ट अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं है। देन नॉन एसी स्टेज कैरीज में अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया है पैसेंजर का तो टैक्स नहीं लगेगा, नॉन एसी स्टेज कैरीज बच्चों, हाँ है ना, बसेस वगैरह इसमें कवर होगी बच्चों। ओके माहौल सर ध्यान देना बेटा, तो अल्टीमेटली एग्जेम्प्ट क्या हो गया बेटा, सर रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच एग्जेम्प्ट हो गया है, मतलब एसी क्लास और फर्स्ट क्लास पर टैक्स लग जाएगा, मेट्रो मोनोरेल ट्रेनवे एग्जेम्प्ट हो गया है, अरे हाँ है ना बेटा, इनलैंड ट्रांसपोर्ट इनलैंड वाटरवेज में ट्रांसपोर्ट का टैक्स नहीं लगेगा, वेसल से ट्रांसपोर्ट किया है बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया एग्जेम्प्ट हो गया है, मीटर कैब और ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट हो गया है, और नॉन एसी स्टेज क्रीज एग्जेम्प्ट हो गया है, बसेस वगैरह नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट क्रीज एग्जेम्प्ट हो गया है, पर अदर देन टूरिज्म कंडक्टेड टू चार्टर और हायर अदर देन रेडियो टैक्सी, और हाँ सर बाय एयर गए सेवन सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बाग डोकरा, वहाँ गए या वहाँ से आए तो फ्लाइट टिकट टैक्स नहीं लगेगा, इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्ट है तो टैक्स लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रोप वे से ट्रांसपोर्ट किया टैक्स लग जाएगा, एसी रेलवे है टैक्स लग जाएगा, एसी बस है टैक्स लग जाएगा बच्चों, अरे क्लियर सर। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बाय सर बाय एयर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट जो अभी डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर अगर आप फ्लाइट से गए या फ्लाइट से आए तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है बेटा, वहाँ क्या होता है टिकट का जो अमाउंट होता है उसका कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोन करती है, तो एयरलाइंस टिकट का कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से चार्ज करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो चार्ज किया उन्होंने उस पर उसके अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसका पेमेंट गवर्नमेंट ने किया है थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग तो टैक्स नहीं लगेगा। पर ये रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के लिए जो एग्जिबिशन दिया है ये एग्जिबिशन फर्स्ट 3 साल के लिए रहेगा, जिस दिन से वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है वहाँ से फर्स्ट 3 साल तक ही एग्जिबिशन मिलेगा, उसके बाद टैक्स लगने लग जाएगा बेटा। सर अगला बताते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अब आ रहा है ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये तो पैसेंजर वाले, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी, और बाय इनलैंड वाटरवेज अगर ट्रांसपोर्ट किया तो भी टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज सारे मोड पर ट्रांसपोर्ट पर टैक्स लग जाएगा, भले वो रेलवे हो या कोई भी मोड बड़ा, रेलवे भले एसी हो नॉन एसी हो गुड्स के केस में टैक्स लगता है बच्चों। आइए ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू दी अप टू दी कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, बाय एयरक्राफ्ट एग्जेम्प्ट है, बाय वेसल एग्जेम्प्ट नहीं है, अब इंडिया से बाहर जा रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट है बाय एयरक्राफ्ट हो या बाय वेसल हो, सर बाय एयरक्राफ्ट हो या बाय वेसल हो 30th सितंबर 2020 तक
कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से लेकर आउटसाइड इंडिया तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा बाय एयर या बाय वेसल हो। देन आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेलवे और वेसल फॉलोइंग गुड्स ही एग्जम्प्ट बेटा। सर रेलवे और वेसल से फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया है बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया तो एग्जम्प्शन मिलेगा, नहीं तो एग्जम्प्शन नहीं मिलेगा। वो गुड्स कौन कौन सी है? रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स फॉर ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स कैलेमिटीज एक्सीडेंट्स और मेशअप्स, देन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर्स, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ध्यान रखना रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल। नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला जीटी उसमें ये पॉइंट नहीं है बेटा, बाकी सारे पॉइंट आएंगे इसमें। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देन मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस एंड राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर तो इनके ट्रांसपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा बाय रेलवे और वेसल। और खास बात यही सारी गुड्स नेक्स्ट पॉइंट है जीटीए वाला उसमें भी कवर है, बस यहाँ पे रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल कवर नहीं है, बाकी सारी गुड्स कवर है प्लस जीटी के लिए दो पॉइंट एक्स्ट्रा है। अगर गुड्स कैरेज में जितने भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के 1500 या उससे कम है तो पूरे फ्रेट पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो गया, पर अगर पूरे गुड्स कैरेज में जितने भी गुड्स है उन सबका फ्रेट 1500 से ज्यादा है तो टैक्स लग जाएगा। पर ऐसे केस में फिर इंडिविजुअल एग्जम्प्शन देखना कंजाइनी वाइज, इंडिविजुअल कंजाइनी से जो फ्रेट चार्ज किया है वो फ्रेट अगर 750 या उससे कम है तो वो इंडिविजुअल कंजाइनी से जो फ्रेट चार्ज किया है कंजाइनी वाइज देखना है। नंबर ऑफ कंजाइनर से मतलब नहीं, नंबर ऑफ बॉक्सेस से कंसर्न नहीं, नंबर ऑफ पार्सल से कंसर्न नहीं है, एक कंजाइनी से जितना फ्रेट चार्ज किया है वो सब मिला के 750 या उससे कम है तो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। पहले एंटायर ट्रक का देखना, याद है मेरा एग्जाम्पल, पहले पूरा पास नहीं तो फिर इंडिविजुअल एग्जम्प्शन बेटा। माहौल सर पहले देखेंगे पूरा 1500 उससे कम है या नहीं है, और उससे कम है तो बाद एकदम इंडिविजुअल देखना ही मत, और उससे ज्यादा है तो इंडिविजुअल देखेंगे, और ऐसे केस में 750 या उससे कम हुआ इंडिविजुअल कंजाइनी वाइज तो टैक्स नहीं लगेगा, लग जाएगा माहौल। सर अगला पॉइंट आता है क्या, जीटीए ने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने वो 7 कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा किसी और को सर्विस दी तो टैक्स एग्जम्प्ट है, जो मैंने आरसी में भी पढ़ा था, वापस बोल देता हूं बेटा, वो 7 स्पेसिफाइड पर्सन जिनके केस में टैक्स लगेगा अदरवाइज टैक्स एग्जम्प्ट है। 7 लोग कौन कौन है जहां टैक्स लगता है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड नॉट इंक्लूडिंग एओपी। जीटी ने सर्विस इनको दी तो ही टैक्स लगेगा, इनके अलावा किसी को भी सर्विस दी टैक्स एग्जम्प्ट है, और खास बात टैक्स लगेगा, और 5% वाला ऑप्शन लिया तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और 12% वाला ऑप्शन लिया तो जीटीए खुद पे करेगा, और इन 7 के अलावा किसी को भी सर्विस दी भले 12% वाला ऑप्शन हो या 5% वाला ऑप्शन हो टैक्स एग्जम्प्ट है। ओके एक और पॉइंट, जीटीए ने सर्विस दी किसको, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंटल एजेंसी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स टीडीएस अंडर सेक्शन 51। तो ऐसे केस में जीटीए ने सर्विस दी इन लोगों को तो जीएसटी पे तो जीटीए के फ्रेट पे जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया बच्चों। सर नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर एसोसिएटेड विद द ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान तो जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान रखना केवल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कवर नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी कवर है, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज भी कवर है, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी कवर है, सब कुछ कवर है इसमें। ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विस दिए जो जा रहा है कहाँ पे, नेपाल भूटान, तो टैक्स नहीं लगेगा। देन आ रहा है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। सर रोडवेज को आपने बस किराए पे दिए, रेंटिंग मोटर व्हीकल किया आपने, सर गिविंग ऑन हायर मोर देन 12 पैसेंजर वाला टैक्स नहीं लगेगा। देन सर लोकल अथॉरिटी को आपने इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिया है तो मोर देन 12 पैसेंजर वाला अगेन टैक्स नहीं लगेगा अगर लोकल अथॉरिटी को दिया है तो। देन जीटीए को आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स दिया है, ट्रक किराए पे दी टैक्स नहीं लगेगा, या कोई लोडिंग ऑटो रेंट पे दिया टैक्स नहीं लगेगा। सेम वे जो मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, अगर आपने कोई बस या कोई भी मोटर व्हीकल विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ, ये आपने रेंट पे दिया किसको, ऐसे किसी पर्सन को जो स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। आइए पॉइंट नंबर 14 की तरफ बढ़ते, टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता। एंड नेक्स्ट है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एनयूटी, एनयूटी की फॉर्म में टोल चार्ज वगैरह लिया तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर डन। आइए अगला पॉइंट है क्या, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। सर अपने घर ड्रीम होम को अगर आपने बनवाया है तो अगर जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपने बनवाया उसको अगर आपने प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, वो भी न्यू हाउस का कंस्ट्रक्शन है बेटा, तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा। और खास बात रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है क्या, जैसे मोर देन वन सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से कंस्ट्रक्शन में टैक्स लग जाएगा, सिंगल रेजिडेंशियल हाउस है तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, भले उसका नया देना, बस उसका नया कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेटा। ओके सर पॉइंट नंबर 2 बोलता है क्या, अगर आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया, कंस्ट्रक्शन का, रिपेयर, रिनोवेशन सब कुछ कवर है इसमें, किसके रेस्पेक्ट में सर,
किसके रेस्पेक्ट में? बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के थ्रू आपने घर का कंस्ट्रक्शन किया है जो प्योर लेबर है या रिपेयरिंग का काम भी किया तो भी टैक्स एग्जम्प्ट होगा इसके अंदर बेटा. क्लियर? देन आता है क्या सर, सुनना बच्चों ध्यान से, दिल थाम के सुनेगा. नया पॉइंट है सर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट. समरी बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना. ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, जैसे बिल्डर ने सोसाइटी से कॉन्टेक्ट किया कि, या सोसाइटी ने बिल्डर से कॉन्टेक्ट किया, एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में कि पुराने घर पुराना फ्लैट तोड़ेगा, पुराने बिल्डिंग तोड़ेगा और नई बिल्डिंग बनाएगा, तो ऐसे केस में सोसाइटी ने बिल्डर को क्या दिया है? डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया, या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया, या लॉन्ग टर्म लीज पे वो प्लॉट दिया 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए. तो ऐसे केस में बिल्डर क्या करता है, उनको नई बिल्डिंग बना के देता है, नए फ्लैट बना के देता है बेटा. तो ऐसे केस में ये बार्टर हो गया. अब बार्टर हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर की है, अब भली बार्टर हो या मनी की कंसीडरेशन दे, तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया है किसके लिए? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए बेटा, ध्यान रखना. तो सर उसके केस में एग्जिबिशन दिया हुआ है. अब मान लो कोई प्लॉट है, कोई एरिया है, एक लाख स्क्वायर फीट का मान लो, और उसमें रेजिडेंशियल भी बन रहा है और कमर्शियल भी बन रहा है, तो क्या करेंगे? डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफर किया उसमें हम प्रोपोर्शन निकालेंगे कारपेट एरिया के हिसाब से कि कारपेट एरिया कमर्शियल का कितना है और रेजिडेंशियल का कितना है. तो जितना रेजिडेंशियल के लिए अपोर्शन होगा उतने पोर्शन के लिए एग्जिबिशन आएगा. पर रेजिडेंशियल में क्या होता है बच्चों कि मान लो 100 फ्लैट बन रहे हैं, कितना बन रहा बेटा, 100 फ्लैट्स बन रहे हैं, 100 फ्लैट में से 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो उन पे टैक्स लगता है. और 30 फ्लैट जो रिमेनिंग रह गए जो बुक नहीं हुए टिल द ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, 30 फ्लैट पे टैक्स नहीं लगेगा. तो सर ध्यान रखना, 70 फ्लैट जो बुक हो गए उस पे टैक्स लग रहा है ना बेटा. तो 70 फ्लैट के प्रोपोर्शनेट कारपेट एरिया के हिसाब से जो वैल्यू आएगा डेवलपमेंट राइट का, उस वैल्यू पे टैक्स एग्जम्प्ट किया बेटा, क्योंकि 70 फ्लैट पे. अच्छा, 1 अप्रैल 2019 के बाद की बात करा बेटा ये. अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, आई रिपीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल, तो सर क्या हो गया, 1 लाख स्क्वायर फीट में से मान लो 50,000 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल के लिए और 50,000 किसके लिए, या आप मान लो 80,000 स्क्वायर फीट किसके लिए, रेजिडेंशियल के लिए, 20,000 स्क्वायर फीट किसके लिए, कमर्शियल के लिए, तो पहली बात तो 20% पे टैक्स लगेगा. 80,000 में भी 70 फ्लैट के प्रोपोर्शनेट कारपेट एरिया के एरिया पे के प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट के लिए टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पे टैक्स लग जाएगा. तो कुल मिला के 1 लाख स्क्वायर फीट में से मैं मानता हूँ 80,000 क्या है, रेजिडेंशियल के लिए. 80,000 में भी मान लो 70% किसके में क्या हो गया, बुक हो गए बेटा, 70% जो फ्लैट थे वो बुक हो गए और एरिया सब में सेम है बेटा. तो ऐसे केस में 80,000 का 70% कितना हो गया, 56,000 स्क्वायर फीट. 56,000 स्क्वायर फीट जो एरिया है, ये एरिया के लिए जो प्रोपोर्शनेट एलोकेट होगा डेवलपमेंट राइट की वैल्यू, वो ही एग्जम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल. बच्चों क्लियर, समझे? तो कमर्शियल अपार्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो तो टैक्सेबल ही है, प्लस रेजिडेंशियल में भी जो बुक नहीं हुए उसके डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे टैक्स, उसके प्रोपोर्शनल एरिया के डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे टैक्स लग जाएगा. समझे आप मेरी बात? भारत माता की जय. पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 खत्म होता है. अब आइए नेक्स्ट है क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, घर किराए पर लिया रहने के लिए, घर किराए पर लिया है रहने के लिए तो टैक्स नहीं लगेगा, पर घर को किराए पर दिया है कमर्शियल यूज के लिए तो टैक्स लग जाएगा बच्चों. और हाँ, आपको बताया क्या, एक मान लो सिंगल बंगलो है 2 फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर और अरे ग्राउंड फ्लोर सर, और उसने क्या किया, रेंट पे दिया किसी पर्सन को, जिसने रेंट पे लिया उसने क्या किया, इस फ्लैट को, इस बंगलों को कैसे यूज में लिया, नीचे फूलों की दुकान ऊपर, हाँ बोलो गोरी का मकान, मतलब उसने फर्स्ट फ्लोर को काम लिया कमर्शियल पर्पज के लिए और सॉरी ग्राउंड फ्लोर को काम लिया किसके लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए, फर्स्ट फ्लोर को काम लिया रेजिडेंशियल पर्पज के लिए. तो जितना रेजिडेंशियल के लिए काम रहा वो एग्जम्प्ट है, जो कमर्शियल में काम रहा टैक्सेबल है, पर दोनों के लिए फीस कॉमन चार्ज करिए तो इट्स अ बंडल्ड सप्लाई और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता, ये क्या है, मिक्स सप्लाई है और हाईएस्ट रेट मतलब पूरा टैक्स लग जाएगा बेटा माहौल. सरकार आइए अगला पॉइंट सर, देना बच्चा पॉइंट नंबर 2 बोलता है क्या, होटल्स सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. इन्होंने जो सर्विसेज दिए, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई, पहले था डिक्लेयर्ड वैल्यू, अब हो गया एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू इंक्लूसिव ऑल चार्जेस. सर एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अप टू ₹1,000, पहले ध्यान रखना बिलो ₹1,000 था बेटा, जिसको लास्ट ईयर अमेंडमेंट, लास्ट 6 महीने पहले अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या, अप टू बिलो और इक्वल टू ₹1,000 पर डे और इक्विवेलेंट अगर है पर डे तो चार्ज
और तो उस रेंट पे टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, धर्मशाला हो अधर्मशाला हो कुछ भी हो, 1000 रुपये तक का रेंट है टैक्स नहीं लगेगा। 1000 रुपये तक का रेंट है पर डे और इक्विवेलेंट, तो टैक्स नहीं लगेगा। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई होटल आवरली बेस पे चार्ज करता है तो पर डे के हिसाब से देख लेना, वो 1000 रुपये या उससे कम आता तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1001 रुपये हो गया तो पूरे पर टैक्स लग जाएगा बच्चों। सर देन देना अगली बात, हॉस्टल। सर हॉस्टल के लिए एक सर्कुलर था, हॉस्टल फी जो होता है बच्चों, अगर हॉस्टल फी 1000 रुपये पर डे या उससे कम है तो टैक्स इसमें कवर हो जाएगा और एग्जम्पशन मिल जाएगा बेटा उसको, पर 1000 से ऊपर तो टैक्स लग जाएगा जो सर्कुलर दिया उस अकॉर्डिंग बेटा। क्लियर, समझा मेरी बात? वैसे जनरली जो हॉस्टल्स होते हैं वो 1000 रुपये पर डे या उससे कम ही चार्ज नॉर्मली होता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या, सर सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी को टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया। देन रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, अरे मंदिर मस्जिद का एरिया आपने रेंट पे लिया है तो उस रेंटिंग के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट दैट शुड बी मेंट फॉर दैट रिलीजियस प्लेस शुड बी मेंट फॉर जनरल पब्लिक बच्चा, हाँ है ना। अच्छा देन ना रिलीजियस प्लेस का मतलब क्या होता है, वो प्लेस विच इज मेंट प्राइमरली फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर और वर्शिप पर्टेनिंग टू एनी रिलीजन मेडिटेशन और योगा, सॉरी स्पिरिचुअलिटी बेटा, हाँ है ना। तो रिलीजियस प्लेस में कवर होगा वो, दैट शुड बी मेंट फॉर जनरल पब्लिक, उसको अगर आपने रेंट पे दिया है, और रेंट पे किस लिए दिया है, कोई भी काम के लिए दिया है, भली हुआ क्लासेस पढ़ाने के लिए रेंट पे दिया तो भी टैक्स नहीं लगेगा बेटा। क्लियर, अगला बताता है क्या, पता है ना बेटा ये रेंटिंग को जो एग्जाम किया है इसको मिसयूज नहीं हो जाए इसलिए यहाँ बोल दिया क्या, अगर अगर वहाँ पर धर्मशाला है मान लो और धर्मशाला में रूम दिया आपने रेंट पे, तो सर 1000 रुपये पर डे से ज़्यादा रेंट अगर हुआ तो टैक्स लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं किया पर उसका हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन यही होगा कि क्योंकि होटल में बोल दिया कि अप टू 1000 रुपये तक का एग्जाम्प्ट बेटा, तो यहाँ पे भी वो मीनिंग माना जाएगा बेटा, वो ओवरराइड कर जाएगा यहाँ पे, तो 1000 रुपये से ऊपर अगर हुआ रेंट तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा अगर रूम दिया तो। पर अगर आपने उस रिलीजियस प्लेस में कोई कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, होता ना बेटा सर जैसे कोई हॉल बना हुआ है वहाँ पर शादी के लिए आपने रेंट पर दे दिया उसको, या ओपन एरिया कथा वगैरह करने के लिए किसी भी काम के लिए, सर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल्स कल्याण मंडपम और ओपन एरिया जहाँ पे 10000 रुपये और मोर पर डे अगर चार्ज है तो टैक्स लग जाएगा। देन अगर मान लो रिलीजियस प्लेस के अंदर दुकान है, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर आप जाएंगे तो अंदर देखना दुकान वगैरह होती है प्रसाद की और आइडल्स वगैरह जो मिलते हैं भगवान के उन सब की, तो सर वहाँ पे दुकान अगर है और दुकान रिलीजियस प्लेस ने किसी को रेंट पे दी है तो ऐसे केस में 10000 और मोर पर मंथ अगर रेंट है तो टैक्स लगेगा, पर 10000 से कम रेंट है तो टैक्स नहीं लगेगा। बच्चों ध्यान रखना, रूम रेंट अगर है तो 1000 और मोर, सॉरी रूम रेंट अगर है तो मोर देन 1000 हुआ पर डे तो टैक्स है, अप टू 1000 टैक्स नहीं है। पर अगर कल्याण मंडपम या हॉल वगैरह है तो 10000 रुपये और मोर पर डे टैक्स लग जाएगा, और दुकान अगर है तो अगेन 10000 और मोर पर मंथ तो टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। ओके बच्चों ये था पॉइंट नंबर 3। देन पॉइंट नंबर 4 आ रहा है बच्चों आपके लिए, ध्यान रखना यहाँ पे छोटा सा अमेंडमेंट नवंबर 20 के लिए, जिनके जुलाई 20 है उनके लिए बोल देता हूँ, जिनके नवंबर 20 होगा उसकी बात बोल दूंगा तो ये लेक्चर दोनों के लिए रिलेवेंट हो जाएगा। बच्चों पूरे मेगा एग्जाम लिस्ट में केवल एक अमेंडमेंट है नवंबर 20 के लिए, बाकी एब्सोल्युटली सेम है। सुना बच्चों ध्यान से, सर लॉन्ग टर्म लीज पे सर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, याद है MIDC का एग्जाम्पल, MIDC ने या GIDC ने, सर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, या किसी ऐसी एंटिटी ने जिसमें 50% और मोर ऑनरशिप है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर बॉडी सर विच इज होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी बेटा, हाँ है ना। अगर उसका होल्डिंग है 50% और मोर देन 50% गवर्नमेंट का उस एंटिटी में, तो उसने अगर लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया है, या MIDC स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग ने प्लॉट लैंड जो है लॉन्ग टर्म लीज पे दिया 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए, किसको दिया है, इंडस्ट्रियल यूनिट को दिया है। क्लियर, या फिर सर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस के लिए अगर लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है, तो अपफ्रंट अमाउंट जो है जिसको सलामी प्राइस कॉस्ट डेवलपमेंट चार्ज कुछ भी बोल दो बेटा, तो उस चार्ज पे GST नहीं लगेगा। आई रिपीट, अपफ्रंट अमाउंट विच इज कॉल्ड सलामी कॉस्ट डेवलपमेंट चार्ज प्राइस या वट एवर नेम कॉल्ड, वो जो अपफ्रंट अमाउंट है उस अपफ्रंट अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा अगर लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया है। किसने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग ने, या ऐसी किसी एंटिटी ने दिया है जिसमें 50% और मोर स्टेक है किसका, ऑनरशिप है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी या एनी अदर एंटिटी विच इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट बेटा, हाँ है ना। तो उसने अगर इंडस्ट्रियल यूनिट को या किसी भी पर्सन को फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज या डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया, तो अपफ्रंट अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। और हाँ बच्चों ध्यान रखना, अमेंडमेंट ये हुआ नॉर्मल 20 के लिए कि 50% ओनरशिप की जगह 20% कर दिया बेटा, कि सर अगर किसी एंटिटी ने
जो लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया है वो या तो एमआईडीसी बेटा स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, या फिर कोई भी एंटिटी जिसमें 20% और मोर देन 20% होल्डिंग है किसका, ओनरशिप है किसका, गवर्नमेंट का, तो रेंट पे टैक्स नहीं लगेगा। जुलाई 20 के लिए 50% है, नवंबर 20 के लिए 20% ओनरशिप हो गया बच्चों। ओके, प्लस एक कंडीशन और ऐड हो गई है जो जुलाई 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है पर नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, पर वो कंडीशन है क्लेरिफिकेशन की कंडीशन है। अब कंडीशन क्या बेटा, कंडीशन यहाँ पे लिख दी कि ये एग्जिबिशन तभी मिलेगा अगर जिस पर्पज के लिए हमने प्लॉट आपको दिया है उस पर्पज के लिए आपने यूज़ किया है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न होगी वो इसको मॉनिटर करेगी, देखेगी कि सही यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे। और हाँ, आपने अगर इसको जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया है, जो ये इंडस्ट्रियल यूज़ है या फाइनेंशियल बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिया है, उस पर्पज़ के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, तो हमसे टैक्स जो एग्जिबिशन दिया था वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी हम आपसे रिकवरी करेंगे। प्लस अगर आपने ये जो प्लॉट लीज पे लिया है, इसने आपने अगर किसी और को आगे सब लीज पे दे दिया या किसी को बेच दिया आपने, तो ऐसे केस में आपके एग्रीमेंट में ये टर्म्स और कंडीशन में एक कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो प्लॉट का हमने लॉन्ग टर्म लीज लिया है इस पे टैक्स एग्जम था क्योंकि हमने इस पर्पज़ के लिए लिया था, और इस पर्पज़ के अलावा किसी और यूज़ में अगर यूज़ लिया तो टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ये आपके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए जब आप बेचोगे इसको या सब लीज पे दोगे तब। प्लस जो ओरिजिनल लेसर है, लेजी है, या जिसको ट्रांसफर किया वो सब जॉइंटली इन सेवरली लेबल होंगे अगर आपने कंडीशन ब्रीच करी तो बेटा। ये कंडीशंस ऐड होगी नवंबर 20 के लिए, क्लियर समझे मेरी बात? वैसे कोई खास बात नहीं है, ये जुलाई 20 के लिए कंडीशन नहीं थी बेटा। माहौल सरकार इसके बाद पॉइंट नंबर 5 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक जो मैंने बुक में दे रखे आपको, ये सारे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पॉइंट थे, वेयर हाउसिंग वाले, रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस वगैरह, ये सब मैंने यहाँ पे रिपीट किए सो दैट सारे रेंटिंग वाले पॉइंट एक जगह आ जाए। आइए अगला इंडस्ट्री, अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, अगला क्लबिंग जो मैंने किया है, सारी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज दिल थाम के सुनिएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस आ रही बेटा, All the services provided by the central government, state government, union territory या local authority are exempt from GST except following four, चार केस में टैक्स लगेगा। फर्स्ट क्या है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी, या लोकल अथॉरिटी नहीं लिखा बेटा। ओके सर सेकेंड पॉइंट होता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, देन सर्विस इन रिलेशन टू वैसल या एयरक्राफ्ट, वेदर विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट या आउटसाइड द पोर्ट या एयरपोर्ट। और हाँ, इन तीन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने किसको भी दिया है टैक्स लगेगा, पर इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस दी है किसी को भी दी है तो टैक्स एग्जम्प्ट, पर इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस गवर्नमेंट ने दी किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स लग जाएगा। और खास बात वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सेप्ट वन सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, और रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्स तो लगेगा पर वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में रेंटिंग पे भी कौन टैक्स पे करेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा बेटा, हाँ है ना। और अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी पे फॉरवर्ड चार्ज गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा। पर हाँ, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी के अलावा और ऊपर जो तीन सर्विस, इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी है तो वहाँ टैक्स लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है, भले बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो या नहीं हो टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा बेटा, क्लियर। पर अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको बेचारे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इसलिए बोल दिया अगर किसी नेक्स्ट पॉइंट में इसलिए बोल दिया क्या, अगर किसी बिजनेस एंटिटी का प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या कुछ स्टेट में 10 लाख या कुछ केस में 40 लाख आता है ओनली गुड्स, मतलब उतने टर्नओवर से कम है जिसकी वजह से उसको रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती बेटा, हाँ है ना। तो सर 10 20 या 40 लाख की कम है तो ऐसे केस में उस बिजनेस एंटिटी को करंट फाइनेंशियल में गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दी है तो वो एग्जम्प्ट रहेगी। पर हाँ, ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाली तीन सर्विस कौन सी, पोस्ट वाली सर्विसेज, वैसल एयरक्राफ्ट वाली या ट्रांसपोर्ट वाली या रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विस, ये टैक्सेबल रहेगी बेटा। मतलब जहां रिवर्स चार्ज था उसको एग्जम्प्ट कर दिया अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम था तो बेटा, क्लियर। प्लस अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा था टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का प्रीवियस फाइनेंशियल में तो ऐसे केस में गवर्नमेंट करंट ईयर में कोई भी सर्विस दी है तो टैक्स लग जाएगा। पर अगर पर ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांजेक्शन वैल्यूज अप टू ₹5,000 तो टैक्स नहीं लगेगा। पर ट्रांजेक्शन मोड रहा हूं मैं, कितना बेटा ₹5,000 तक का है तो टैक्स नहीं लगता है। और अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ऐसे कैसे पर एनम देखना 5,000 है या नहीं है। पर हाँ, ये 5,000 की लिमिट ऊपर वाली तीन सर्विस पर अप्लाई नहीं थी। ऊपर वाली तीन सर्विस कौन सी, वो पोस्ट वाली, वैसे एयरक्राफ्ट वाली या ट्रांसपोर्ट वाली बेटा, क्लियर डन। देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी को ही सर्विस दी तो टैक्स नहीं लगेगा। अगेन ये वाला पॉइंट ऊपर वाली तीन पॉइंट पर अप्लाई नहीं होता है, क्लियर। देन आता है क्या सर, पासपोर्ट, वीजा, अरे ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट बनाया है, क्लियर, उसके लिए कुछ चार्ज लिया है बिजनेस एंटिटी से तो टैक्स नहीं लगेगा। देखो ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये बिजनेस एंटिटी के लिए बेटा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी और से चार्ज लिया है तो वैसे भी एग्जम्प्ट बेटा।
क्योंकि बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी और पर्सन से अगर चार्ज लिया तो केवल 3 सर्विस टैक्स मिले, बाकी सब तो वैसे भी एग्जम्प्ट बेटा। आइए नेक्स्ट, क्या सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, किसी रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करी है या कोई भी टेस्टिंग किया है, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन किया है और उसके कुछ चार्ज लिया तो टैक्स नहीं लगेगा। देन FSSAI ने जो चार्ज लिए, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सॉरी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो भी चार्ज लिया है फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ऑपरेटर से, तो टैक्स नहीं लगेगा। देन ESIC का कोई पेमेंट आपने किया है तो टैक्स नहीं लगता है। PF का अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया, टैक्स नहीं लगेगा। SEBI ने कोई भी अमाउंट चार्ज किया, टैक्स नहीं लगेगा। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है टैक्स नहीं लगेगा। देन नेशनल पेंशन सिस्टम को आपने कोई अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है, टैक्स नहीं लगेगा। IRDA ने इंश्योरेंस से जो भी चार्ज लिया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोल्ड स्टोरेज वालों से चार्ज लिया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपने कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई है उसके कोई चार्ज लिया, टैक्स नहीं लगेगा। सर आर्टिकल नंबर 243W या आर्टिकल नंबर 243G में जो काम कवर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया तो वैसे भी वो सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर बी में कवर होकर बोलता है क्या, दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस, वो तो GST इसको मैं वैसे भी नहीं आता, सप्लाई में नहीं आता है। पर अगर यही काम गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है तो ऐसे केस में उस पर टैक्स लग जाएगा बच्चों। हाँ है ना, जिसमें 90% और मोर स्टेक होता है गवर्नमेंट का बेटा, हाँ है ना, क्लियर। वो बॉडी कहती क्या गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो बनाई गई किसके लिए, आर्टिकल नंबर 243W या 243G के काम करने के लिए बेटा। अब सुनो बेटा, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया जो आर्टिकल नंबर 243W जो म्युनिसिपैलिटी वाले काम है या आर्टिकल नंबर 243G जो पंचायती काम है ये काम किया तो उसके चार्ज पे GST नहीं लगेगा, क्लियर। और सुनो बच्चों ध्यान से, यही काम, अब सुना एक पॉइंट आ गया रहा, मैं यही कनेक्ट कर रहा हूं। अब मान लो साफ सफाई का काम था बेटा, मुंबई को साफ करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो काम मेरे को दे दिया बेटा, तो मैंने सर्विसेज दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सर्विसेज ऐसा कोई काम जो कवर किसमें, आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है, वो काम किसी भी पर्सन ने किया किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी के लिए काम किया है तो प्योर लेबर का करें तो एग्जेम्प्ट है। और विथ मटेरियल अगर है तो उसके अंदर मटेरियल का पोर्शन शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में अगेन सर उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी GST नहीं लगेगा। प्योर लेबर पूरा एग्जम्प्ट है, विथ मटेरियल अगर 25% का अमाउंट मटेरियल से ज्यादा, मटेरियल का अमाउंट 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एक्सीड नहीं करना चाहिए तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्स हो जाएगा बच्चों, क्लियर। देन आता है पॉइंट क्या, गवर्नमेंट एंटिटी ने किसने बेटा, गवर्नमेंट एंटिटी ने कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए कोई भी फी चार्ज किया है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एंटिटी अपॉइंट करी है किसके लिए, अपने किसी फंक्शन को काम पूरा करने के लिए, और अपने काम के लिए गवर्नमेंट एंटिटी ने अपनी ही एक बॉडी बनाई बेटा, गवर्नमेंट ने अपनी एक बॉडी बनाई जिसमें 90% और मोर स्टेक गवर्नमेंट का है बेटा, क्लियर। और उसी ने गवर्नमेंट से फीस चार्ज की इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो ऐसे केस में अगेन टैक्स नहीं लगेगा बेटा। तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या एनी अदर पर्सन विच आर ऑथराइज बाय गवर्नमेंट, क्लियर, अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो सर ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा। देन आता है क्या, सर कस्टम वालों ने ओवरटाइम काम किया है तो उसके लिए मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस अगर उन्होंने चार्ज किया तो टैक्स नहीं लगेगा। देन अगर आपने गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और काम ढंग से नहीं किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो सर उसके लिए जो लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज किए या कोई भी पेनल्टी या फी चार्ज के लिए टैक्स नहीं लगता है। सर पॉइंट क्या है, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस आर चार्ज, तो ऐसे केस में टैक्स नहीं लगता। देन सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सुनो बच्चों ध्यान से, इनसे इन्होंने अगर लोन लिया है बेटा तो लोन लेने के लिए गारंटी चाहिए होता है बेटा, बैंक बोलता है गारंटर लेके आओ, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गारंटी दी है तो ऐसे केस में जो गारंटी फी चार्ज किया उस पर टैक्स नहीं है। सुनो बेटा ध्यान से, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू दियर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन्स टेकन बाय सच अंडरटेकिंग और PSUs फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो लोन को गारंटी देने के लिए गारंटी फी चार्ज किया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन सर इंडिविजुअल फार्मर को राइट टू यूज एग्रीकल्चर फार्म दिया है, राइट टू यूज एग्रीकल्चर दिया है, हाँ है ना बच्चों, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया है, तो ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा, इंडिविजुअल फार्मर बेटा ध्यान रखना। देन सर ओल्ड एज होम 25,000 रुपये वाला, वो पॉइंट रिपीट किया मैंने यहाँ पे वापस से। देन सर 1 अप्रैल 2016 से पहले किसी को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स असाइन हो गए थे और उसका वन टाइम अपफ्रंट चार्ज उस टाइम का पेंडिंग था जो अब जाके पे कर रहा है, वो भली पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट था या पीरियडिकली पे करना था, तो अपफ्रंट अमाउंट जो था वन टाइम रॉयल्टी जिसको बोलते हैं बेटा, 1 अप्रैल 2016 से पहले जिसको राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स असाइन हो गए थे उसको, तो वो अब जाके पे कर रहा, तो इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। सेम वे टेलीकॉम कंपनी राइट टू ऑपरेट एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर या
सर रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वो यूज़ कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो यूज़ कर रहे हैं 2G 3G 4G, हाँ है ना बेटा, उसके लिए जो गवर्नमेंट को चार्ज किया है, गवर्नमेंट को चार्ज दिया है इन्होंने, उस फीस पे टैक्स लगता है। पर 1 अप्रैल 2016 से पहले, 1 अप्रैल 2016 से पहले का अगर कोई चार्जेस इस तरह का बाकी था टेलीकॉम कंपनी का, उन्होंने अब जाके गवर्नमेंट को पेमेंट किया तो उस पर टैक्स इट विल रिमेन एग्जम्प्ट, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से पहले ये एग्जम्प्ट था वैसे भी। ओके, देन आ रहा ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। बच्चों क्या होता है ये, सर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया का सर जितने भी माइन होल्डर्स है उनसे रॉयल्टी कलेक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को बोल दिया मैं आपको मिनिमम डेड रेंट 1 करोड़ रुपये पर एनम दे दूंगा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, जो मैं रेंट कलेक्ट करूंगा, मतलब मैं जो रॉयल्टी कलेक्ट करूंगा माइन होल्डर से, उन रॉयल्टी के अमाउंट पर ऑलरेडी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उन माइन होल्डर ने टैक्स पे कर दिया होगा गवर्नमेंट को, तो जितने जितने पोर्शन पे जितनी वैल्यू पे वो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं उतनी वैल्यू पे ERCC के हैंड पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे 1 करोड़ का डेड रेंट था और 70 लाख रुपये मैंने उनसे रॉयल्टी कलेक्ट कर पाया तो 30 लाख रुपये मेरे को अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, तो 70 लाख जो माइन होल्डर ने रॉयल्टी पे किया उन पर रिवर्स चार्ज में उन्होंने टैक्स वैसे भी पे कर दिया होगा, तो रिमेनिंग 30 लाख जो है उसी मुझे टैक्स पे करना है। सेकंड, अगर मान लो मैंने डेड रेंट जो था वो 1 करोड़ था और मैंने जो रॉयल्टी कलेक्ट किया वो 1 करोड़ 50 लाख कलेक्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट को तो मेरे को 1 करोड़ पे करना है, पर वो ऑलरेडी वो लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 1 करोड़ 50 लाख पे GST ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में पे कर चुके हैं, तो सिंस 1 करोड़ जो रॉयल्टी मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ और उसमें पूरे 1 करोड़ छोड़ो 1.5 करोड़ पे गवर्नमेंट को GST ऑलरेडी मिल गया है तो मुझे कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जो डेड रेंट होता है बेटा, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ सर, उस पर गवर्नमेंट को GST मिलना चाहिए। अब इस 1 करोड़ में से जितने अमाउंट पे माइन होल्डर ने GST पे कर दिया रिवर्स चार्ज में उतने पोर्शन में मेरे पे टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने 1.5 करोड़ मैंने रॉयल्टी कलेक्ट किया 1.5 करोड़ पे कर दिया रॉयल्टी पे GST ऑलरेडी, तो 1 करोड़ पे GST पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं मेरे को। और अगर उन्होंने 70 लाख की रॉयल्टी कलेक्ट किया था मैंने उनसे और 70 लाख भी टैक्स पे किया उन्होंने गवर्नमेंट को, तो रिमेनिंग 30 लाख पे मुझे GST पे करना पड़ेगा बेटा। क्लियर, डन। आइए पॉइंट नंबर 27, मैं रिपीट कर दिया वापस से पॉइंट बेटा, याद है MIDC का मैंने एग्जाम्पल दिया सर, लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स सर, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या ऐसी कोई अंडरटेकिंग जिसमें 50% ऐसी कोई एंटिटी जिसमें 50% मोर स्टेक है गवर्नमेंट का, नॉर्मल अटेम्प्ट तो 20%। सेम पॉइंट रिपीट किया बेटा सर। आइए पॉइंट नंबर 28 सर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी तो एग्जम्प्ट बेटा सर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्स हो जाएगा बच्चों। क्लियर, कोई प्राइवेट है जैसे सर जनरेटर हो गया बेटा, जनरेटर के थ्रू मैं लाइट सप्लाई कर रहा हूँ, याद है मेरा मॉल का एग्जाम्पल, अरे इन्फिनिटी मॉल मलाड। क्लियर सर, वहाँ पे एक मैंने पूरा अपना डीजी सेट लगा रखा और मैंने उससे लाइट सप्लाई करी इंडिविजुअल शोरूम को, तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी अगर कोई सर्विस देती है तो टैक्स नहीं लगेगा। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलप किया है, कहाँ तक का सर, याद है फार्मर के सर ट्यूबवेल तक का, अरे हाँ है ना, लाइट पहुँचाने के लिए, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो नेटवर्क बिछाया उन्होंने उसके लिए जो चार्जेस लिए उस पर GST नहीं लगेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेटा। ओके अच्छा, ध्यान रखना, एक सर्कुलर था वो बोलता है क्या, अगर डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने इन सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विस दी, जैसे डुप्लीकेट बिल इशू किया, कनेक्शन शिफ्ट किया या कोई भी चार्जेस अदर लिए, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्प्ट है और किसान के फार्म पर ट्यूबवेल जो लगी वहाँ तक के इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को पहुँचाने तक की चार्जेस पे टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा बच्चों। क्लियर, देना था क्या, सर्विसेज बाय डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, अरे वीजा प्रोसेस किया, चार्जेस लिए, टैक्स नहीं लगेगा। देन सर, देना बेटा सर, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और कमिटी और स्टेट कमेटी अंडर द हज कमेटी एक्ट ने रिलीजियस पिलग्रिमेज कराया और रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जो चार्जेस लिए उस पर GST नहीं लगेगा। किसी और के थ्रू अगर आप चार धाम की यात्रा पे गए, रिलीजियस पिलग्रिमेज गए, किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू चले गए, टैक्स लग जाएगा बच्चों। कौन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड या कमेटी और स्टेट कमेटी अंडर हज कमेटी एक्ट, उनके थ्रू रिलीजियस पिलग्रिमेज करने गए तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा। सर पॉइंट नंबर 32-33 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G वाले काम थे बेटा। सर देने पॉइंट नंबर 34, अच्छा इसमें पॉइंट नंबर 33 में एक सर्कुलर दे रखा है, वो बोलता है क्या, एम्बुलेंस सर्विसेज। अब सर क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था बेटा नेशनल हेल्थ मिशन, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने बोला कि साहब फ्री एम्बुलेंस सेवा देंगे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो। अब एम्बुलेंस इतनी गवर्नमेंट के पास थी नहीं, गवर्नमेंट ने हमको कांटेक्ट किया कि साहब आप पेशेंट को पहुंचा दो हॉस्पिटल में और उसके लिए जो भी चार्ज होगा हमसे लेना, तो ऐसे केस में हमने जो भी सर्विस दी है सर, अगर प्योर लेबर की थी तो वो आर्टिकल नंबर 243W के प्योर लेबर में वैसे भी कवर हो जाएगी, और विद मटेरियल अगर है तो मटेरियल का पोर्शन वैसे भी 25% से क्रॉस नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और वैसे भी एम्बुलेंस सर्विस तो वैसे भी सर कोई भी पर्सन दे टैक्स एग्जम्प्ट होता है सब। आइए पॉइंट नंबर 34 की तरफ, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स
इंडियन रेलवे को दिया बेटा, सर्विसिंग ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स रोलिंग स्टॉक असेट इंक्लूडिंग वैगन कोचेस और लोकोस बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज एग्जम्प्ट होगा। जीएसटी नेटवर्क ने जो गवर्नमेंट को सर्विस दी है टैक्स नहीं लगेगा। अरे जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन भी तो ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए इसको बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा प्रीमियम गवर्नमेंट ने बोन किया टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका सारा खर्चा किसने बोन किया है गवर्नमेंट ने बोन किया टैक्स नहीं लगेगा। रिपीट किया पॉइंट बेटा, देन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट वहाँ गए हो या वहाँ से आए हो तो गवर्नमेंट के पोर्शन पे फ्लाइट टिकट पे टैक्स नहीं लगता बेटा, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। देन फेयर प्राइस शॉप, याद है राशन की दुकान वर्ल्ड कप नायक मूवी, तो फेयर प्राइस शॉप ने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से जो भी कमीशन या मार्जिन चार्ज किया है अपना उस पर टैक्स नहीं लगता है। देन स्टेप या टीबीआई स्टेप और बायो इंक्यूबेटर, एनी सर्विस प्रोवाइड बाय टीबीआई स्टेप और बायो इंक्यूबेटर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। याद है एग्जाम्पल मेरा आईआईटी मुंबई पवई, अरे हाँ है ना सर, माहौल उस दिन क्या शानदार मजा आया था आपको पढ़ते वक्त, हाँ है ना सर। एनी सर्विस प्रोवाइड बाय टीबीआई स्टेप और बायो इंक्यूबेटर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब ये तो हो गया इंक्यूबेटर, इसके अंदर जो सर आरएनडी कर रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है जिसको बोलते हैं इंक्यूबेटर, सॉरी जिसको बोलते हैं इंक्यूबेटी ने सर्विसेज दी है वो भी एग्जम्प्ट है, पर उसकी कंडीशन क्या है, प्रीवियस फाइनेंशियल में उस इंक्यूबेटी का टर्नओवर 50 लेके उससे कम होना चाहिए तो एग्जम्प्ट मिलेगा, पर करंट ईयर में एग्जम्प्ट मिलेगा वो भी फर्स्ट 50 लेके सर्विसेज के लिए ही मिलेगा और उससे ऊपर जाएगी तो उस पर टैक्स लग जाएगा। और ये एग्जम्प्शन फर्स्ट 3 साल के लिए ही है जब से उसने एग्रीमेंट एंटर किया है, उसके फर्स्ट 3 साल तक एग्जम्प्शन मिलेगा, उसके बाद टैक्स लगना चालू हो जाएगा बेटा। ये किसके लिए, इंक्यूबेटी के लिए बेटा। माहौल सरकार पॉइंट नंबर 43 रिपीट किया बेटा, पॉइंट नंबर 43 वो याद है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ व्हीकल क्लियर किसको दिया है, अरे स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को दिया बेटा, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया है क्लियर, लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिए जिसमें मोर देन 12% से रिपीट किया पॉइंट आपके लिए ओके सरकार ध्यान देना बेटा। अब एक और सर्कुलर बेटा, क्या सर्कुलर तो नहीं, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपके लिए सर, पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज जो पुलिस वाले या सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस देते हैं किसको, किसी भी प्राइवेट कंपनी को, तो ऐसे केस में टैक्स लग जाता बेटा। याद है सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट के केस में टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। और ये सिक्योरिटी सर्विसेज या पुलिस वालों ने किसी प्राइवेट कंपनी को कोई स्पेशल सर्विस दी उसके कोई चार्ज लिया तो वो कहीं एग्जम्प्ट नहीं बच्चा, क्लियर डन, क्योंकि वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है। आइए सरकार अगला पॉइंट, अगला इंडस्ट्री बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, आप चाहे तो बीच में पोज करके थोड़ा शांत कर सकते हो अपने दिल को, पर हाँ मैं चालू रहूंगा सर। बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई एग्जम्प्ट नहीं है, केवल एक एग्जम्प्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एग्जम्प्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई केवल एक एग्जम्प्ट है, अगर आउट ऑफ इंडिया से आरबीआई ने सर्विसेज लिए इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो बस एक ही सर्विस एग्जम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल बच्चों ओके सर। देन आ रहा है क्या, अगर आपने किसी को लोन सर, अरे इंटरेस्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, भले वो लोन किसने भी दिया हो किसने भी लिया हो, भले वो बैंक हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो, इंटरेस्ट और डिस्काउंट के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, ब्याज पे टैक्स नहीं लगता बेटा। देन आता है पॉइंट क्या, अगर आपने सर एक सर एक बैंक या मनी चेंजर ने दूसरे बैंक या मनी चेंजर को ऑथराइज मनी चेंजर या ऑथराइज बैंक को फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन की सर्विसेज दी है तो उसके फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन के चार्ज पे टैक्स नहीं लगता, ध्यान रखना। इंटर बैंक फॉरेन करेंसी कन्वर्जन अमंग्स बैंक्स और ऑथराइज डीलर्स ऑफ फॉरेन करेंसी और अमंग्स बैंक्स एंड सच डीलर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्लियर। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में अगर आप लेट हो गए उसके लिए अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो उसके लिए अलग से कहा है क्या, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट हम नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं मानते, हम सर्विस चार्ज मानते हैं, हम टैक्स लगाएंगे, ध्यान रखना बड़ा बात। सेकंड बात, अगर सर जैसे कोई शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट याद है बेटा, अरे सीडी कमर्शियल पेपर्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक प्रॉमिसरी नोट, दीज आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ मनी और प्योर ट्रांजेक्शन मनी इज नॉट सप्लाई और उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज हो तो इंटरेस्ट पर वैसे भी जीएसटी नहीं लगता बेटा, क्लियर। देन सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा रेपो ट्रांजेक्शन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन अगेन लेंडिंग बाय और टू आरबीआई बेटा, ये उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर टैक्स वैसे भी नहीं लगता बच्चों ओके ध्यान रखना। पिनल इंटरेस्ट अगर बैंक ने चार्ज किया लोन के लिए तो अगेन इस पर भी टैक्स नहीं लगता, पर अगर किसी दुकान वाले ने कोई मोबाइल बेचा है और मोबाइल उसने ईएमआई बेस पे बेचा है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज करा है ये मोबाइल को सेल करने की वैल्यू का पार्ट बन रहा है बेटा, क्योंकि सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस कोई अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वैल्यू का पार्ट बनता है, और उसने अगर टाइम पे ईएमआई नहीं दिया कस्टमर ने
और पिनल इंटरेस्ट ओवर एंड अबो पिनल चार्जेस चार्ज कर लिए तो वो भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि सप्लायर अगर चार्ज करता है कस्टमर से तो हमेशा इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फी या पेनल चार्जेस हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा। पर अगर यही पर सप्लायर ने बेचा तो कस्टमर को, और कस्टमर ने बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करा दिया होता बेटा। अब सप्लायर ने मान लो 40,000 का मोबाइल बेचा और कस्टमर ने बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करा दिया, बजाज फाइनेंस ने तो सप्लायर को 40,000 का मोबाइल था आज के आज 40,000 दे दिए। अब बजाज फाइनेंस ने क्या किया है, लोन दिया है कस्टमर को 40,000 का बेटा। अब उसके लिए वो ईएमआई पे करेगा, उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, वो तो लोन का इंटरेस्ट हो गया, उस पर टैक्स नहीं लगता बेटा। और उसी में अगर वो पेमेंट करने में लेट हो गया, उसने पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, पेनल्टी चार्ज कर लिए, वो भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, उस पर भी एग्जम्पशन मिलेगा, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर पक्का, क्योंकि पेनल इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है बेटा। क्लियर माहौल, ये सर्कुलर था, ये भी मैंने कवर कर लिया बेटा आपके लिए। देन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू अगर आपने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है तो ऐसे केस में सर बैंकिंग कंपनी ने जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से कोई भी चार्जेस अगर लिए अकाउंट होल्डर से तो उस चार्ज पे टैक्स नहीं लगता। देन मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, बच्चों अगर आपने कभी कार्ड से पेमेंट किया है, कार्ड स्वैप किया, तो ऐसे केस में जो बैंक चार्ज देता है अक्वायरिंग बैंक, तो ऐसे केस में अक्वायरिंग बैंक के चार्जेस पे जीएसटी लगता है। पर अगर आपने जो कार्ड को स्वैप करने का जो अमाउंट पे किया है, जो चार्जेस पे किए, सॉरी आपने शॉपिंग जो किया है, जो स्वैप किया है आपने, शॉपिंग का अमाउंट, ट्रांजेक्शन का अमाउंट इज अप टू ₹2,000 पर ट्रांजेक्शन, तो सर उसके लिए जो बैंकिंग कंपनी ने सर मर्चेंट बैंकिंग चार्ज चार्ज किए होंगे अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए, उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मान लो लाइफ स्टाइल से कोई शॉपिंग किया, और सर मैंने शॉपिंग किया, मान लो मेरे पास कार्ड था किसका, आईसीआईसी बैंक का, और उसके पास जो मशीन थी मेरा पोर्श वो था एचडीएफसी बैंक का, मैंने कार्ड स्वैप किया और 2,000 तक का शॉपिंग था मेरा बेटा, तो सर क्या होता है एक्वायरिंग बैंक हो गया एचडीएफसी बैंक, जो सप्लायर जो लाइफस्टाइल का बैंक था एचडीएफसी जिसकी मशीन थी बेटा, मेरे पास कार्ड था किसका आईसीआईसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक क्या करेगा आईसीआईसी बैंक से 2,000 रुपये लेके एचडीएफसी बैंक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और वहां से फिर वो लाइफस्टाइल के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा बेटा। तो ये है एक्वायरिंग बैंक, तो उसने 2,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए जो चार्जेस लिए होंगे उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट इज अप टू ₹2,000 तो उसने चार्ज लिया होगा 1% मान लो, तो सर 2,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन, ₹20 से चार्ज टैक्स नहीं लगता बेटा। क्लियर, आइए बच्चों नेक्स्ट। सर्विसेज बाय दी फॉलोइंग पर्सन इन द रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज, फर्स्ट है क्या बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दी बैंकिंग कंपनी को इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, तो रूरल एरिया ब्रांच के रेस्पेक्ट में बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो भी चार्ज लिया होगा बैंकिंग कंपनी से टैक्स नहीं लगेगा। सेम वे बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया अपने अंडर, तो उस इंटरमीडिएट ने अगर सर्विसेज दी किसको, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को या बिजनेस फैसिलिटेटर को, तो ऐसे केस में अगर वो ब्रांच रूरल एरिया में थी तो रूरल एरिया के रेस्पेक्ट में है तो टैक्स एग्जम्प्ट है, अर्बन एरिया के रेस्पेक्ट में तो टैक्स लगता है बच्चों। और हाँ ध्यान रखना, अर्बन एरिया के रेस्पेक्ट में अगर है तो बिजनेस फैसिलिटेटर ने जो सर्विस दी बैंक को तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की किसमें रिवर्स चार्ज नहीं है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट किया तो एजेंट ने जो सर्विसेज दी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को वहाँ पे एजेंट के कमीशन पे रिवर्स चार्ज में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट खुद टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सेम वे नेक्स्ट बताया क्या, इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर्विसेज दी इंश्योरेंस कंपनी को इन रूरल एरिया, तो अगेन उस पर भी जीएसटी नहीं लगता बच्चों। और हाँ एक सर्कुलर आया उसने डिफाइन कर दिया क्या सर, कस्टमर जो होते बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कस्टमर से कोई भी फीस नहीं लेंगे, वो सर जो भी काम करेंगे जो भी सर्विसेज देगा वो बैंक दे रहा है थ्रू बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू द कस्टमर, और बैंक चार्ज करेगा जिससे कस्टमर से, और बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट चार्ज करेगा किसे, बैंक से, वो बैंक से जो चार्ज करे उस चार्ज पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा उसकी बात हमने करी बेटा। अगर रूरल एरिया में तो टैक्स नहीं लगेगा, अर्बन एरिया में तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। सर देने क्या इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, सर माहौल सुना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्जिबिशन दिया है, सुनना ध्यान से। सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम, ध्यान रखना एग्जाम में ये क्लिक करना चाहिए, हट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अर्लियर नोन एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, मोस्ट रेस्पेक्टेड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन। सर एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, कुआ खोदा और कुछ भी नहीं निकला, पानी वानी कुछ भी नहीं आया, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी उसको सर अमाउंट रीइंबर्स करती है, इंश्योरेंस क्लेम देती है उसको, तो उसके लिए जो प्रीमियम दिया उस पर टैक्स नहीं लगता है। देन प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर ब्रेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देन जन आरोग्य बीमा पॉलिसी,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द ट्रस्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, और वेस्ट बंगाल वालों के लिए एक और बांग्ला शस्य बीमा योजना, जो सर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिया है टू द फार्मर्स स्पेशली फॉर खरीफ सीजन ऑफ क्रॉप। तो सर इस प्रीमियम के लिए जीएसटी एग्जिम कर दिया, इस इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम आपने पे करा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। देन अब आ रहा है क्या, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। बच्चों ध्यान रखना, ये फास्ट रिवीजन बैच है, ध्यान से सुनना, बी कॉन्सेंट्रेटेड बेटा, एक बार अपने पास बुक रखना, पॉज करते करते सुनते रहना, और उसके बाद एकदम बन जाएगी आपकी फास्ट, एकदम माहौल एकदम जबरदस्त होना चाहिए। सर सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम, फर्स्ट क्या है, जनरल बीमा योजना, देन आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय IRDA हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹2,00,000, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 2,00,000 का होना चाहिए बेटा, मतलब प्रीमियम तो बहुत कम होगा बेटा इसका, तो प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता बेटा। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वयावंदन योजना। देन आ रहा है क्या सर, ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा प्रीमियम किसने पे किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने। देन ये सारी स्कीम जो मैंने आपको ऊपर बोली, अभी सारी जितने भी पॉइंट बोले उन सबका री इंश्योरेंस अगर किसने किया है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। देन आता है क्या, अटल पेंशन योजना के थ्रू अगर आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो टैक्स नहीं लगेगा, या एनी कोई पेंशन स्कीम विज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी कलेक्शन या कॉन्ट्रीब्यूशन या टैक्स नहीं लगेगा। देन सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। सर कुल मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड किया है बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, देन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों के लिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू प्रोवाइडेड बाय द आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड। देन आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस सेम वे, किसके लिए, नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द कोस्ट गार्ड, अगेन टैक्स नहीं लगेगा। देन आ रहा है क्या, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। सर देखो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कवर हो गया ऊपर बेटा, देन कोस्ट गार्ड नेक्स्ट पॉइंट में कवर हो गए, देन अब आ गए क्या, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज भी इसमें आ गई बेटा। सर सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय दी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर्स अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंसर्न्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। ओके, देन आ रहा क्या, सारे तीनों पॉइंट रिपीट किए, ESIC का अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया, एग्जिम्प्ट है, IRDA को पैसा दिया, एग्जिम्प्ट है, एंड देन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को रूरल एरिया में सर्विस दी, टैक्स एग्जिम्प्ट रहेगा बेटा। क्लियर, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब आइए, जो पॉइंट बच गए वो मैंने मिसलेनियस सर्विसेज में डाल दिए, और सर एक एक पॉइंट पढ़ाता हूं मैं आपको, दिल थाम के सुनेगा। सबसे पहला पॉइंट, सर्विसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। तो ऐसे केस में सर सप्लाई ऑफ अ गोइंग कंसर्न भी सर्विस के स्कोप में आता है बेटा, क्योंकि एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, और इसलिए वो टैक्सेबिलिटी के स्कोप में आ रहा था, यहां इसको कवर करके एग्जम कर दिया, बोल दिया नहीं चाहिए टैक्स हमें बेटा। देन आता है क्या, लॉयर की सर्विसेज या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज। सुना बच्चों ध्यान से, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इन्होंने सर्विस दी किसको, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट। इन्होंने सर्विस दी किसको, बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से ज्यादा था, तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर, तो सर कुल मिला के क्या हो गया बेटा, बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी को भी सर्विस दी, एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जिसका टर्नओवर अप टू दी थ्रेशोल्ड लिमिट था प्रीवियस फाइनेंशियल में, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो अगेन एग्जेम्प्ट। तो कुल मिला के बचा गया बेटा, लॉयर हो सर, फर्म ऑफ एडवोकेट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, इन्होंने सर्विस दी किसको, बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से ज्यादा था, तो ही टैक्स लगेगा, और खास बात वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट दैट इज बिजनेस एंटिटी शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर, एक और बात बेटा, अगर इन्होंने लॉयर हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, सीनियर एडवोकेट हो या फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, इन्होंने सर्विस दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, अब इनका टर्नओवर भले ही 20,00,000 से ऊपर हो, 50,00,000 से ऊपर हो, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। एडवोकेट की सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज पे करने की जरूरत नहीं, इनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट को बेटा,
और अब आप बोलेंगे सर सीनियर एडवोकेट के लिए कुछ अलग पॉइंट था, अरे हाँ है अभी भी है बेटा, अब ध्यान रखना बच्चा। सर नॉर्मल एडवोकेट की बात करूं मैं आपसे, एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, अब ये पॉइंट एक्स्ट्रा है बेटा, क्लियर? किसके लिए एक्स्ट्रा बेटा? एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट के लिए। ये पॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए नहीं है और सीनियर एडवोकेट के लिए भी नहीं है। अब सर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने सर्विस दी किसको? अदर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को। अब सर अदर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट का टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर हुआ प्रीवियस ईयर का, तो अगेन टैक्स लग जाएगा ना रिवर्स चार्ज में, इसलिए यहाँ पे टैक्स क्या कर दिया? एग्जम कर दिया, क्लियर? पर अगर सर्विस दी किसने? सीनियर एडवोकेट ने या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, किसको? किसी लॉयर को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को ही, तो टैक्स लग जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्लियर? जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर था तो, क्लियर? पक्का बच्चों? वैसे प्रैक्टिकली बात करें तो सीनियर एडवोकेट ने, किसने बेटा? सीनियर एडवोकेट ने अगर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी तो ऐसे केस में टैक्स लगता है, पर फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स रेसिपिएंट किसको मानेंगे? वो बिजनेस एंटिटी को रेसिपिएंट मानेंगे जिसका केस सीनियर एडवोकेट के पास आया था थ्रू अदर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट। तो वो बिजनेस एंटिटी जिसका केस वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन? सीनियर एडवोकेट, वो बिजनेस एंटिटी लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, प्रैक्टिकली होता है बेटा, क्लियर? पर हाँ थियोरेटिकली बात करें तो सर अगर सीनियर एडवोकेट ने एडवोकेट को सर्विस दी बेटा, क्लियर, और उसी फॉर्म में झगड़ा था और उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर था, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा और रिवर्स चार्ज में वो एडवोकेट टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन कराएगा। वैसे बात करें प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पर थ्योरेटिकली यस पॉसिबल है, क्लियर माहौल? सरकार आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस, याद है स्पाइडरमैन सर, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। सर आइए, अरे लाइब्रेरी कभी गए क्या बेटा? हाँ है ना, पढ़ाई करने के लिए, अब मत जाना कोरोना का डर है बेटा। सर सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, पर वहां बैठ के पढ़ाई करने का जो फीस वो लेता है उस पर टैक्स लगता है, वो एग्जम नहीं है। एग्जम क्या है? बुक लेंडिंग चार्जेस। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स और पब्लिकेशंस और एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल, तो उसके चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। देने क्या? सर बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर, सर सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एग्जीबिशन विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर बिजनेस एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हेल्ड हुआ है तो बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने बिजनेस एग्जीबिटर से जो पैसा लिया है, अरे स्टॉल बुकिंग चार्जेस, उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर बिजनेस एग्जीबिशन इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो। सरकार देन आइए क्या, AOPBY, अरे क्लब एसोसिएशन वगैरह, अगर इन्होंने जो मेंबरशिप फी लिया है किससे लिया बेटा? ट्रेड यूनियन से लिया है, टैक्स एग्जम्प्ट बेटा। अच्छा, किसी भी AOPBY ने अपने मेंबर से ऐसे किसी काम के लिए पैसा लिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है जो ऑलरेडी एग्जम्प्ट था, ऐसा कोई सर्विस विच इज ऑलरेडी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उसके लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या सर मेंबरशिप लिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। जैसे मेडिकल कैंप करवाया, अब डॉक्टर ने सर्विस दी वो वैसे भी एग्जम्प्ट थी बेटा, अब डॉक्टर ने सर्विस दी क्लब को, क्लब ने पैसा लिया किससे? मेंबर से, तो एक तरह से क्लब ने सर्विस दी मेंबर को बेटा, तो डॉक्टर की सर्विस एग्जम्प्ट थी, इसलिए क्लब की जो सर्विस थी वो भी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी, ऑल्दो क्लब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन नहीं आता बेटा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फिर भी इस पॉइंट की वजह से एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा। ओके सर, फिर आता है क्या, अगर हाउसिंग सोसाइटी बेटा, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अरे गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी, अगर पर मेंबर पर मंथ मेंबरशिप फी इज अप टू ₹7500 तो टैक्स नहीं लगेगा, पर 7500 से ऊपर जैसे 9000 रुपए तो पूरा 9000 रुपए टैक्स लग जाएगा बच्चों, क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा, एज अ प्योर एजेंट अगर कोई चार्ज लिया तो वो तो वैल्यू का पार्ट वैसे भी नहीं बनता बेटा। अच्छा, मेरे दो फ्लैट है मान लो किसी सोसाइटी में मेरे दो फ्लैट है, दोनों को दो अलग अलग फ्लैट माना जाएगा, दो अलग मेंबर माना जाएगा, तो 7500 पर मेंबर मानते बेटा इसके अंदर, क्लियर? अच्छा, अगर सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है बेटा, तो 20 लाख हो सकता है, तो दे आर एनी वेज नॉट लायबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। अब जब रजिस्टर्ड के लिए लायबल ही नहीं है तो मेंबरशिप वाली कितनी चली जाए, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर सोसाइटी जो मेंबर से पैसा ले उस पर टैक्स लग रहा है, तो सोसाइटी ने जो जैसे जो कॉमन सर्विसेज ली, अरे इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया, आउटवर्ड पर टैक्स लग रहा, तो ITC मिल जाएगा बेटा, क्लियर? ठीक साहब, देन आ रहा है क्या, कोई पॉइंट नंबर 7, कोई भी क्लब, हिंदुस्तान का कोई भी एसोसिएशन, कोई भी क्लब, कोई भी नॉन प्रॉफिट एंटिटी, जहां जो सुनना बच्चा, पॉइंट नंबर 7 जो किसके लिए बनी हुई है, वेलफेयर ऑफ दी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर, अरे किसान या इंडस्ट्रियल लेबर या फार्मर के लिए जो क्लब बना हुआ है, AOP बनी हुई, उन्होंने जो भी मेंबरशिप लिया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, हमारी ही मांगे पूरी करो माहौल सरकार। और सेकंड आता है क्या, कोई भी क्लब देश का जिसमें पर एनम पर मेंबर मेंबरशिप फी अप टू ₹1000 है, ₹1000 पर एनम मेंबरशिप फी अगर है, तो कोई भी क्लब हो, सब पे टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है, क्लियर? आइए सरकार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर
सर पॉइंट नंबर 8 पे आ गए, अब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग है बेटा। सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले से सर्विसेज रिसीव करी इंडिया में किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, या फिर किसी इंडिविजुअल ने सर्विसेज रिसीव करी है फॉर एनी पर्पज, इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, तो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। मतलब सर किसी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या इन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट करी बिजनेस पर्पज के लिए तो टैक्स लग जाएगा रिवर्स आज में, पर अगर बिजनेस के अलावा किसी और पर्पज के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी है पर्सनल यूज के लिए, जैसे आपने सर अपना बंगलो डिजाइन किया, बंगलो पर्सनल यूज के लिए बेटा, और उसके लिए इंटीरियर डेकोरेटर इटली से अपॉइंट करी, तो इटली वाले ने जो चार्ज किया इंटीरियर डेकोरेशन के लिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आपने ऑफिस बनवाया तो सर इंटीरियर डेकोरेटर ने जो चार्ज किया उस पर टैक्स लग जाएगा। सेम वे गवर्नमेंट के लिए पॉइंट है। सेम वे अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आउट ऑफ इंडिया से किसी पर्सन से सर्विस ली है टू प्रोवाइड द चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो अगेन उसके चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे रूरल एरिया के बुड्ढों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अगर आउट ऑफ इंडिया से किसी पर्सन की सर्विस ली इन्होंने तो टैक्स नहीं लगेगा बेटा। क्लियर सर, जो भी मैं बोलता हूँ मजाक मस्ती की बोलता हूँ, बाकी रेस्पेक्ट पूरा करना चाहिए बेटा अपने को। सर देने क्या, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले को किसी पर्सन ने सर्विस दी तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे जापान वाले का, जापान वाले को का कोई प्लांट था जो जो इंडिया में बन रहा था, हिंदुस्तान में बन रहा था, वो प्लांट बनाया किसने, अमेरिका वाले ने, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले के लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले ने सर्विस दी तो अगेन टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। पर हाँ सर, अगर शिपिंग कंपनी दी बेटा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया अगर है, तो उस ट्रांसपोर्ट चार्ज पे भले सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया का था, रेसिपिएंट भी आउट ऑफ इंडिया का था, तो भी टैक्स लगेगा और इंपोर्टर टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। और हाँ, जो मैंने पर्सनल जो मैंने बताया आपको ऊपर वाला दो पॉइंट कि इंडिविजुअली या गवर्नमेंट वगैरह ने सर्विस इंपोर्ट करी है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर्विस इंपोर्ट करी है पर्सनल पर्पज के लिए तो टैक्स एग्जम्प्ट होता है। पर उसका एक एक्सेप्शन है क्या, OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, अगर इंडिया में किसने भी इंपोर्ट कर ली टैक्स लग जाएगा बेटा, भले बिजनेस के लिए हो या नॉन बिजनेस के लिए हो। और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो वो सप्लायर और सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया वेबसाइट वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सर आइए अगला पॉइंट, सर अरे मल्टी सर्विस एसईजेड जो है ना गुजरात में, गिफ्ट सिटी गुजरात सर, गांधीनगर गिफ्ट सिटी, सुनो बच्चों उसके लिए एग्जिबिशन दिया बेटा। सर सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी, मैं एक इंटरमीडियरी वहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विस देता हूँ बेटा मैं। अब सर सुनना, मेरे क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया है, मेरे क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया है, अब भले ही मेरे क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया है पर मैं सिंस इंडिया में हूँ, और इंटरमीडियरी के केस में प्लेस सप्लाई क्या होता है, सप्लायर का लोकेशन मतलब इंटरमीडियरी का लोकेशन टैक्स लग जाएगा। बट टू प्रमोट इट गवर्नमेंट ने यहाँ एग्जम कर दिया और बोल दिया क्या, सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड विथ IFSC स्टेटस टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज इन करेंसीज अदर देन इन रुपी, तो सर ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा। देन पॉइंट नंबर 11, सरकार ध्यान देना बेटा, मेरा एक ब्रांच इंडिया में है और एक ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, तो मेरे आउट ऑफ इंडिया वाले एस्टेब्लिशमेंट को अगर मैंने इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस दी है तो ध्यान है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर नहीं होता बेटा। पर सर एक्सपोर्ट के बेनिफिट मत दो पर कम से कम उस पर टैक्स तो मत लगाओ, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिख दिया क्या, उस पर टैक्स एग्जम्प्ट है। देन आता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूनाइटेड नेशंस और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिशियल यूज, क्लियर, तो ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा। सर ध्यान देना, क्योंकि डोमेस्टिक सर्विस अगर ही लेते तो इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे करते उसका फिर रिफंड ले लेते, पर यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स आज में टैक्स पे करो फिर उसका रिफंड लो, क्या फायदा, डायरेक्ट एग्जम्प्ट कर दिया। सेम पॉइंट किसके लिए, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसिल पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट और करियर काउंसिल पोस्ट इन इंडिया। सर इन्होंने कोई सर्विस इंपोर्ट करी भले उनके ऑफिशियल यूज के लिए हो या पर्सनल या प्राइवेट या फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए हो तो भी टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बस इनको कंसर्न्ड सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ साहब ये सर्विसेज इनके लिए एलिजिबल है, ये पर्सन एलिजिबल है इन एग्जिबिशन के लिए बेटा माहौल। और जिस दिन से इनका एग्जिबिशन विड्रो हो जाएगा सर्टिफिकेट इनको और सर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा हमारा एग्जिबिशन विड्रो हो गया बेटा, और उस दिन से विड्रो हो जाएगा एग्जिबिशन। आई रिपीट सर, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन या करियर काउंसलर पोस्ट इन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट करी भले उनके फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करी या प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट करी या ऑफिशियल यूज के लिए इंपोर्ट करी, टैक्स एग्जिम्प्ट है। बस सर देना प्रोटोकॉल डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग बेटा, और जिस दिन से वो सर्टिफिकेट विड्रॉ हो जाएगा उस दिन से ये एग्जिबिशन भी विड्रॉ हो जाएगा। सर लास्ट पॉइंट ऑफ मेगा एग्जिबिशन नोटिफिकेशन 12 ऑफ 2017, क्लियर, या नोटिफिकेशन 9 ऑफ 2017 जो हमने पढ़ लिया है। सर लास्ट पॉइंट है क्या, अगर कोई एजेंट है गुड्स का, इंटरमीडिएट गुड्स का, जहां पे सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट भी आउट ऑफ इंडिया है, सर जापान से गुड्स खरीदा डायरेक्ट
अमेरिका बेच दिया, और बेच और वो बिकवाने वाला एजेंट कहाँ का था? हिंदुस्तान का था। तो वो एजेंट को क्या मिला होगा? कमीशन मिला होगा, उस कमीशन पे टैक्स लग रहा था, क्योंकि सर प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है इंटरमीडिएट के केस में बेटा, हाँ है ना। इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ एग्जम कर दिया, बोल दिया पॉइंट नंबर 14 में क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इट्स टैक्सेबल टेरिटरी, तो टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी बेटा। हाउएवर टू अवेल दिस एग्जम्पशन फॉलोइंग कंडीशन हैज टू बी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी मेंटेन फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। क्या क्या बेटा? कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग बेटा, कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर, देन कॉपी ऑफ कमीशन डेबिट नोट रेज बाय इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर बेटा, जो उसने कमीशन का डेबिट नोट रेज किया होगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अरे हाँ है ना कहाँ से गुड्स ओरिजिन हुआ बेटा, देन डिक्लेरेशन लेटर फ्रॉम इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर इन द टैक्सेबल टेरिटरी ऑन द कंपनी लेटर हेड कन्फर्मिंग कि ये जो कमीशन आया है ये इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आया बेटा, हाँ है ना, जहाँ पे दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया के बच्चों। इसी के साथ भारत माता की जय, और ये सारे पॉइंट खत्म होते हैं अब। और सर कुछ अदर एग्जिबिशन भी थे जो अदर नोटिफिकेशन के थ्रू थे, मैं भी यहाँ साथ में बोल रहा हूँ बेटा आपके लिए। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट समझ में आया बेटा आपको, वैसे मैंने आपको यहाँ पे कोशिश किया कि जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी बोल पाऊँ, सो देट आप एग्जाम टाइम पे इनको फास्ट क्विक रिवाइज कर पाए। देखो दीज पॉइंट्स आर, दीज लेक्चर्स आर फॉर रिविजन, नॉट फॉर री रीडिंग। विजन क्लियर होना चाहिए तो रिविजन फास्ट होता है बच्चों। और हाँ, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट जो हमने पढ़ी सर, इसके एंट्री नंबर याद करने की जरूरत नहीं है सर, एंट्री नंबर याद ना हो पाएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिएगा। आइए सरकार अदर एग्जामिनेशन दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 अभी काम का नहीं क्योंकि सेक्शन 94 कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए है जो बिल्डर है बेटा, तो ये पॉइंट नंबर 1 काम का नहीं। पॉइंट नंबर 2, कोई भी सर्विस अगर इंपोर्ट करी किसने, यूनिट ऑफ एसिजेड और डेवलपर ऑफ एसिजेड ने, तो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। यूनिट ऑफ एसिजेड और डेवलपर ऑफ एसिजेड ने कोई भी सर्विस अगर इंपोर्ट करी तो टैक्स एग्जम्प्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से परचेस करते हैं तो एनीवे जीरो रेट सप्लाई होता है, हाँ है ना, टैक्स नहीं लगता, तो अगेन इंपोर्ट किया तो भी टैक्स माफ कर दिया बेटा। देन अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है कस्टम के अंदर जाना हो, तो अगर आपने किसी गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए अगर उस गुड्स का रॉयल्टी या लाइसेंस फी भी पे किया है अलॉन्ग विद द कंसिडरेशन फॉर दैट गुड्स, तो रॉयल्टी या लाइसेंस फी को भी वैल्यू का पार्ट बनाता है कस्टम के पर्पज के लिए, और उस पर कस्टम लगता है, और कस्टम के साथ एनीवेज आईजीएसटी वाला लग रहा है बेटा, तो अलग से सिंस इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया ना बेटा, रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे किया तो अलग से उस पर आईजीएसटी डबल वाला नहीं लग जाए, इसलिए आप एग्जेम्प्शन दे दिया। और बोल दिया क्या, अगर रॉयल्टी या लाइसेंस फी आपके वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम वैल्यूएशन में अगर इंक्लूड हो रहा है, तो उस रॉयल्टी या लाइसेंस फी फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में IGST एक्ट का अलग से IGST नहीं लगेगा, कस्टम में जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उस पर कस्टम लगता है, और साथ में IGST अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट लग जाएगा, बस वो लगा दो अलग से, इस एक्ट में अलग से यहाँ पे IGST मत लगाएंगे बेटा। देन पॉइंट नंबर 4, सर मैं एक एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ बेटा। सर एक्सपोर्टर क्या करता है बेटा, आपसे गुड्स परचेस करता हूँ, डायरेक्ट आपके यहाँ पोर्ट ले जाता हूँ बेटा, याद है 0.1% पे काम हो जाएगा बेटा, सुनना बच्चों ध्यान से। सर मेरे को बोल दिया कि अगर मैं चाहूँ तो कंसेशन रेट पे गुड्स परचेस कर सकता हूँ, पर कंडीशन क्या है, आपके यहाँ से परचेस करूँगा डायरेक्ट पोर्ट ले जाऊंगा और वहाँ से एक्सपोर्ट होना चाहिए बेटा विद इन 90 डेज, तो मैं चाहूँ तो 0.05% प्लस 0.05% CGST प्लस SGST और IGST अगर तो इंटरस्टेट परचेस किया तो 0.1% टैक्स पे करूँ, मस्त हो जाएगा बेटा काम। उसके लिए प्रोसीजर क्या दिया, सुनना ध्यान से। सर पहली बात तो सप्लायर, मैंने मान लो गुजरात से माल खरीदा, मैं मुंबई में हूँ और मुंबई पोर्ट से डायरेक्ट क्या होता है एक्सपोर्ट, गुजरात से मुंबई मैंने गुड्स परचेस किया तो गुजरात का सप्लायर और मैं दोनों क्या होना चाहिए, GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड थिंग, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। थर्ड थिंग, मेरे को गुड्स परचेस करना है तो परचेस करने से पहले परचेस ऑर्डर में इशू करूंगा, उसका एक कॉपी उस गुजरात के ज्यूरिसडिक्शनल GST ऑफिसर को भी दी जाएगी और सप्लायर को भी दी जाएगी बेटा। प्लस मैं जो गुड्स परचेस कर रहा है ये कम्युनिटी एक्सचेंज बोर्ड या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए बेटा। अब मैं जब परचेस करूंगा सर, वो मेरे बिल पे क्या लगाएगा, केवल 0.1% IGST लगाएगा, और अगर मेरे स्टेट में होता तो 0.05% CGST, 0.05% SGST, क्लियर, वो बिल पे लगाएगा और उसका जो टैक्स इनवॉइस नंबर है प्लस उसका जो GST नंबर सप्लायर का, वो मैं जब एक्सपोर्ट करूंगा तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल फाइल करूंगा बेटा मैं, उसमें उसका GST नंबर सप्लायर का प्लस उसका इनवॉइस नंबर भी रेफर करूंगा बेटा उसके अंदर में, प्लस ये जो गुड्स मैंने उसे परचेस किया है ये वहां से परचेस करूंगा, डायरेक्ट पोर्ट ले जाऊंगा, एयरपोर्ट ले जाऊंगा, इनलैंड कंटेनर डिपो ले जाऊंगा, या कंटेनर स्टेशन जैसे क्या होने वाला है, एक्सपोर्ट होने वाला है, या लैंड कस्टम स्टेशन बेटा, क्लियर। या फिर मैं चाहूँ तो इसको एक रजिस्टर्ड वेयरहाउस में भी लेके आ सकता हूँ बेटा, और अगर रजिस्टर्ड वेयरहाउस में लाया हूँ तो वहाँ लाके फिर वहाँ से डायरेक्ट मेरे को एक्सपोर्ट ही करना है बेटा, डायरेक्ट पोर्ट लेना अपने यहाँ नहीं ले जाना बेटा। और हाँ, अगर मैं वेयरहाउस में लेके आया हूँ और मेरे को वहाँ पे कुछ गुड्स एग्रीगेट करनी है, एग्रीगेट मतलब जैसे मैंने आपको मेरे को कोई कॉम्बो बनाना बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे मार्कर खरीदा, आपसे पेन खरीदा, आपसे रबर खरीदा, आपसे स्केल खरीदा, क्लियर, और इन सबको परचेज करके मैं एक कोमो बनाता हूँ और कोमो बना के बेचता हूँ तो एक्सपोर्ट करता हूँ, चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे केस में अगर मैं एग्रीगेट करके
फिर एक्सपोर्ट करता हूँ, तो जब गुड्स वेयर हाउस में आएगा इंडिविजुअल गुड्स, तब वेयर हाउस कीपर से मैं एक एक्नोलेजमेंट लूंगा कि सब इतना गुड्स आया है। प्लस जब परचेज बिल पे गुड्स जब आएगा, परचेज बिल पे मैं काउंटर साइन करूंगा कि मेरे को गुड्स रिसीव हो गया है। अब इसका रिसीट का एक कॉपी मेरे को सप्लायर को और एक्नोलेजमेंट का कॉपी, एक्नोलेजमेंट फ्रॉम वेयर हाउस ऑपरेटर और मेरा रिसीट हुआ है उसका, मैंने जो एक्नोलेजमेंट दिया है उसका कॉपी सप्लायर को भी दूंगा और उसके ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को भी दूंगा बेटा कि गुड्स मेरे को रिसीव हो गया। अब उसका कॉम्बो बना के मैं एक्सपोर्ट करूंगा बेटा। अब सर जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वहां से वेयर हाउस डायरेक्ट पोर्ट ले आऊंगा और वहां से एक्सपोर्ट, और ये जो एक्सपोर्ट है जिस दिन से मेरा परचेज इन्वॉइस था उसके 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर 90 डेज में एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो वो सप्लायर जो है उसकी बैंड बच गई बेटा, और ये एग्जिबिशन विड्रॉ हो जाएगा और डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स उसको पे करना पड़ जाएगा बेटा। और एक बात और ध्यान देना बेटा, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तब शिपिंग बिल में तो उसका जीएसटी नंबर और टैक्स इन्वॉइस नंबर मैंने लिखा है, प्लस जब वो वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया से बाहर जाता है तब वो क्या करता है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करता है बेटा। वो एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट का कॉपी में लूंगा और उसमें उन गुड्स का नाम लिखा होना चाहिए बेटा, और वो एविडेंस मैं गवर्नमेंट को उसके सप्लायर के जीएसटी ऑफिसर को दूंगा और सप्लायर को भी एक एविडेंस का कॉपी दूंगा बेटा, सो दैट ये एविडेंस हो जाएगी सर गुड्स सही में इंडिया से बाहर गया है, ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। अब तो ऐसे केस में 0.1% टैक्स पे करना है केवल बेटा, हाँ है ना बच्चों, इररेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। पर हाँ ये एग्जिबिशन तभी मिलेगा जब ये सारी कंडीशन पूरी होती, तो और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करी, 90 डेज में एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में एग्जिबिशन विड्रो हो जाएगा और सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ जाएगा, बैंड बजाएंगे सर उसके। क्लियर माहौल सरकार, आइए पॉइंट नंबर 5 अदर एग्जिबिशन का, एग्जिबिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम फ्रॉम जीएसटी। सर ध्यान देना, अगर मेरे को ऑयल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना है सर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स अगर मैं लूंगा तो गवर्नमेंट मेरे से क्या लेगा, रॉयल्टी चार्ज करेगा, और रॉयल्टी जो चार्ज करता है उस पर जीएसटी लगता है। पर जितना रॉयल्टी इन द फॉर्म ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट पेट्रोलियम दे रहा हूँ, मतलब जितना पेट्रोलियम मैंने एक्सट्रैक्ट किया उसमें से कुछ पेट्रोलियम का परसेंटेज एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, तो जितना रॉयल्टी मैं पे कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम उसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम के पोर्शन वाले अमाउंट पर जीएसटी एग्जम कर दिया। मतलब रॉयल्टी तो मान लो फॉर एग्जाम्पल फिगर में अगर डाल दे 10 करोड़, 10 करोड़ में से 4 करोड़ पोर्शन हो गया किसका, पेट्रोलियम जो मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को बेटा, प्रॉफिट पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, तो 4 करोड़ के अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो गया, 6 करोड़ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट जो सर्कुलर है, केवल एक एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सर इनके अलग से एक्ट बने हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 बना हुआ है और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 एक्ट बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा कोई कंसर्न नहीं है, जो भी सर्विसेज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है इन सारी सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर हाँ ध्यान रखना, ये एग्जिबिशन जो है वो केवल, ये जो एक्ट है ये केवल सर्विसेज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए, इनकी कोई और एंटिटी बनी हुई है या इनके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है उस एंटिटी ने कोई सर्विस दी तो अगर वो टैक्स लो तो टैक्स लग जाएगा बेटा। क्लियर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने खुद ने सर्विस दी तो टैक्स नहीं लगता है, किसी और ने दी तो टैक्स लग जाएगा बेटा। भारत माता की जय। और जितने भी एग्जिबिशन ने पढ़ा है, सी जीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, सबसे एग्जिम्प्ट है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 पूरा खत्म होता है। अब मेगा एग्जिबिशन लिस्ट, सारे एग्जिबिशन खत्म होते हैं। अब बच्चों मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था आपको, तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि प्लीज कोशिश करना कि इन सारे पॉइंट को मगअप नहीं करें बेटा, हर इंडिविजुअल पॉइंट को आपको समझना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा राइट डाउन 50 पॉइंट ऑफ मेगा एग्जिबिशन इफ एनी, 50 मार्क एक क्वेश्चन ले खत्म, ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि बताओ ये ट्रांजेक्शन टैक्स है या नहीं बेटा, और आपको वहां क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये एग्जम्प्ट है, टैक्स वाले एग्जम्प्ट है, टैक्स वाले बेटा। क्लियर, तो आपको ये पूरा लिस्ट मगअप करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से अभी मैंने बोला उस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको हर इंडिविजुअल पॉइंट क्लिक करना चाहिए। इसलिए 2-3 बार रिविजन लेक्चर देखोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय। थैंक यू सर।